ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सत्ता के दावेदारों, सत्ता में मौजूद लोगों के अंतापुर में क्या कानाफूसी हो रही है और जमीन पर इन समीकरणों के क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया में दांव किसने दिया? पप्पू यादव एक रिवेलियस कैरेक्टर है, लालू जी को तो रिपोर्ट किया ही नहीं, तेजस्वी को क्या रिपोर्ट करेगा। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि जो हमारे पुत्र को कहीं से कोई चैलेंज न। ग्रैंड बैटल ऑफ चुरू, ये चुनाव राहुल कस्वा वर्सेस झांझड़िया नहीं रह गया, ये चुनाव राहुल कस्वा वर्सेस राजेंद्र सिंह राठौड़ हो गया। शांति धारीवाल ये नहीं मान रहे कि कोटा में उनका कोटा पूरा हो गया है, अब वो प्रहलाद को गूंजने ही नहीं दे रहे, पहले दिन उन्होंने शांत करा दिया उसको। और रवनीत बिट्टू की जो पार्टी में शमूलियत है उसको इतना गुपचुप रखा गया कि सुनील जाखड़ को भी उसके ज्वाइन करने से आधा घंटा पहले ही इन्फॉर्म किया गया। अगर मोदी जीत आते हैं तो आप देखेंगे पंजाब में जो कांग्रेस है वो आधी से ज्यादा बीजेपी हो जाएगी। मुख्तार अंसारी माफिया था, मसीहा था, राजनीतिक नेता था, गैंगस्टर था, गुंडा था, क्या है मुख्तार अंसारी? मोबाइल फोड़ाया, मैंने कहा भैया अब्बास, भैया मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा से बोल रहे हैं भैया? चिंता जेल से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि चिंता मत करिए, ड्राइवर का नंबर है। कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा था, कुछ लोगों के लिए वो बहुत बुरा था, इस तरह का उसका 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 कैरेक्टर था। पियर फराक वाले ने गाना बड़ा पॉपुलर गाना है, पियर फराक वाले उसे चल रहा है, पियर लिफाफा वाला। कन्हैया जी आप अपने दोस्त नीतीश कुमार के बारे में नहीं बता रहे हैं? दोस्त ना रहा, हाय तकलीफ है। नमस्कार, लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक मैराथन एपिसोड है जिसमें विस्तार से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान पर चर्चा होगी, देश की राजनीति पर भी चर्चा होगी और आएगा आपको भरपूर लुत्फ, क्योंकि यहाँ सुनाई जाती हैं सत्ता के दावेदारों, सत्ता में मौजूद लोगों के अंतापुर में क्या कानाफूसी हो रही है और ज़मीन पर इन समीकरणों के क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं, उनकी बात खुलकर। तो शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात करेंगे बिहार के बारे में, जहां औपचारिक तौर पर अभी तक इंडिया ब्लॉक में गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है इस संदर्भ में कि कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। अनौपचारिक तौर पर कहीं सिंबल दिए जा रहे हैं, कहीं दावेदारी जताई जा रही है। जब शुक्रवार की दोपहर और शाम को हम ये एपिसोड नेता नगरी का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तब तक की स्थिति है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सूची आ चुकी है जिसमें कुछ एक कद्दावर नामों को रिपीट किया गया है, जिस पर लोगों ने बहुत सरप्राइज जताया, जैसे पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद या फिर राधा मोहन सिंह या फिर और कुछ एक नाम। और कुछ नाम जो कटे हैं उसमें एक हैं अश्विनी चौबे बक्सर से और भी कुछ एक, तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, इस पर भी कि कौन कौन से बाहुबली ताल ठोक रहे हैं और कौन कौन से इसके लिए अपनी पत्नियों को, जो राजनीति में सक्रिय थीं या अभी शादी हुई तो अब राजनीति में आ रही हैं, इस तरह के प्रसंगों पर बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार की राजनीति पर निरंतर और दशकों से नज़र रखने वाले दो प्रखर विद्वान, वक्ता और संपादक। हमारे साथ हैं कन्हैया बेलारी जी और हैं संतोष सिंह जी, दोनों पटना में स्थित हैं और एक न्यूज़ हार्ट से जुड़े हुए हैं। कन्हैया बेलारी जी आप लोग पहले भी सुन चुके हैं और संतोष सिंह जी इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पहली क्वेरी आप दोनों से ये है कि पप्पू यादव को पूर्णिया में दांव किसने दिया? उनके समर्थक कह रहे हैं कि धोखा हुआ है, पहले से तय था कि वो लड़ेंगे, कुछ ने कहा कि आरजेडी की तरफ से विलय का प्रस्ताव था लेकिन पप्पू कांग्रेस की तरफ चले गए, कुछ लोगों ने कहा कि बीमा भारती को इसी प्रॉमिस पर लाया गया था कि पूर्णिया की सीट दी जाएगी। ये पूर्णिया और पप्पू यादव के पार्टी में विलय का पेच समझा दीजिए। कन्हैया जी आपसे शुरू करते हैं। कौन कहा था पप्पू यादव को कि कौन आश्वासन दिया था कि आपको सीट दी जाएगी, वहां से करिए अभी तो कांग्रेस में मिले हैं, इसके पहले तो उनकी अपनी पार्टी थी क्या? लालू प्रसाद यादव ने कोई आश्वासन ऐसा दिया नहीं था। लालू प्रसाद यादव जैसा वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने आप ये प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे पार्टी में ज्वाइन कर दीजिए, हमारे पार्टी में अपनी पार्टी को घुला मिला दीजिए, मैंने धोखा दीजिए,
तो हम आप इसके बाद मधेपुरा से चुनाव लड़िए, पूर्णिया से तो लालू यादव ने कहा नहीं था, जैसा ये कह रहे हैं कि तो अपने से वहां से तैयारी कर रहे थे पूर्णिया से कि हमारी माँ है बाप है जो भी है, जैसा वो बयान दे रहे हैं कि लड़ूंगा यहीं से आत्महत्या कर लूंगा कहाँ जाऊं। लेकिन किसी ने ये तो पप्पू यादव उस ग्राउंड के नेता हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग जाते हैं दिल्ली में पेशेंट्स जाते हैं अस्पताल में, किसी को दिखाना है उसको लेकर के इनका एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ होता है, लोग रखे हुए हैं दिखाते हैं सभी से, बहुत काम है वहाँ, काम भी एक 9 महीना 10 महीना एक साल से कर रहे हैं। क्या पूर्णिया से वो निर्दलीय भी दो दो बार रहे समाजवादी पार्टी के टिकट पे हैं, लेकिन किसने आश्वासन दिया था? पप्पू यादव तो कभी लालू यादव को हराने की बात करते हैं, आपको याद होगा कि 2015 में ये एक तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से सुपारी दिए हुए थे कि हम कैसे हरा देंगे महागठबंधन को, यहाँ 15 में 14 में जीते थे लालू प्रसाद यादव की ही राजद के टिकट से, उसके बाद जो है तो अब तो ये फंस गए। हाँ एक बात है जो हम, मेरी जानकारी है और जो पॉलिटिशियन करते हैं अपने परिवार के, लालू प्रसाद यादव की चाहत ये थी कि हमारे पुत्र के अंदर में ये काम करें, हमारे पुत्र को नेता माने आप, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसे कन्हैया कुमार के साथ हुआ है। कन्हैया कुमार भी वो चाहते थे, मुझे जो जानकारी है अंदर की, लालू प्रसाद कन्हैया कुमार को भी चाहते थे कि वो आ जाए राजद, लेकिन वो भी कांग्रेस में भाग गए सीपीआई से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि जो भी हमारे पुत्र को कहीं से कोई चैलेंज न दे, इससे ज्यादा दिमाग वाला न हो। स्वाभाविक है कोई पिता चाहेगा, और नीतीश कुमार भी नहीं पैदा होने देते हैं अपने समाज के किसी लोग को। नहीं कन्हैया जी, ये बताइए कि ये अपने नहीं कन्हैया जी, मुझे लगता है बुने हुए जाल में फंस गए। अच्छा पप्पू यादव, ये बताइए अखिलेश प्रसाद सिंह क्या इस पक्ष में नहीं थे कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पक्ष में, वो जानते हैं ना पप्पू यादव किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। पप्पू यादव को कंट्रोल पर उनकी पत्नी रंजीत रंजन तो कांग्रेस से लोकसभा में रही, राज्यसभा में है, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। पत्नी न है, पप्पू यादव थोड़े हैं, पत्नी है। अरे तो महाराज ये बताइए, पार्टी में विलय हुआ है तो कुछ तय तो हुआ होगा कि कांग्रेस के हिस्से जो 8-9 सीटें आएंगी उसमें पप्पू यादव को कहां एडजस्ट किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि लड़के को सुपौल से लड़ाने की बात चल रही, कुछ बात तो हुई होगी ना पटना और दिल्ली के स्तर पर, इसे ही जाके विलय कर देंगे। अरे तो कांग्रेस से नहीं इनकी बातचीत हुई होगी, लेकिन कांग्रेस क्या है यहाँ बिहार में, लालू यादव वो अपेंडेज पूंछ है राजद की, और क्या है कांग्रेस कुछ है उसकी, क्या विचार है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनका, है कुछ क्या? वो लालू यादव के कृपा पर पार्टी है, इधर आ जाएंगे तो नीतीश के लालू यादव, अगर कांग्रेस कुछ नहीं है तो लालू यादव बिहार में कांग्रेस को क्यों जिंदा रखे, 8-9 सीटें भी क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो अकलियत का वोट का बंटवारा ना हो, अकलियत में कुछ है उसका। अकलियत के वोट से आपका क्या तात्पर्य है, मुस्लिम वोट? मुस्लिम वोट, अकलियत का कहने का मतलब मेरा मुस्लिम वोट है, और राष्ट्रीय स्तर पर भाई कांग्रेस ही के साथ तो जाएंगे और किसके साथ जाएंगे। अच्छा लेकिन पप्पू यादव की आपने बात कहा था शुरुआत, आपने पप्पू यादव जी, मैं अभी भी उसी पे हूँ। संतोष सिंह जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे ये पप्पू यादव प्रसंग में? जरूर जोड़ना चाहेंगे। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, जब मैं रूल मिस रूल लिख रहा था तो उसी समय पप्पू यादव का मैंने इंटरव्यू किया था, पटना से मुजफ्फरपुर उनके साथ मैंने ट्रेवल किया था। तो उस समय मैंने उनको पूछा था कि आप और लालू प्रसाद एक ऐसे टाइम में हुए कि दोनों का कालखंड लगभग एक ही हो गया, इसी के कारण शायद आपका इमरजेंसी नहीं हुआ। तो उन्होंने इस चीज को कन्फर्म किया और मुझको बताया कि एक बार नवगछिया में कुछ घटना घट गई थी और उसमें जनता दल के ये थे, उसमें काम कर रहे थे, तो ये बिना लालू जी से बताए हुए पार्टी नेतृत्व को बताए हुए चले गए सांत्वना देने के लिए परिवार को। आने के बाद इनको लालू जी ने क्लास लिया कि यादव के नेता बनते हो तुम, क्या समझते अपने आप को, मुझको बताए थे पार्टी नेतृत्व को बता के कभी तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। तो अब देखिए कि पप्पू यादव का जो भी इमरजेंस हुआ है, आरजेडी की तरफ से भी रहे, बाद में जीते हैं, बाद में रिवील हो गए हैं, शरद यादव के असिस्टेंट के रूप में काम किए हैं। इस बार जो कन्हैया सर ने बताया उसमें इतना ही ऐड करूंगा, गलती क्या हुई, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि पूर्णिया सीट
जो है कांग्रेस ही लड़ती है। राजद या जनता दल कब लड़ा है बताइए, बहुत समय हो गया होगा, 14-19 का तो मुझे दोनों याद है, कांग्रेस लड़ी है। तो उन्होंने एज्यूम कर लिया विदाउट कांग्रेस को कॉन्फिडेंस, इसको आरजेडी को कॉन्फिडेंस पे लिए हुए, जबकि ये बात वो जान रहे थे कि बीमा भारती रिवेल हो चुकी है, वो क्रॉस ओवर करने की तैयारी में है, वो इसी शर्त पर क्रॉस ओवर करेगी जब उसको पार्टी का सिंबल मिलेगा आरजेडी का। तो ये सिंबल दे के लाया है, सिंबल उस पहली शर्त थी, वो तो सशर्त आई है, ये बिना शर्त के गए हैं। ये जो गए इन्होंने कोई डील नहीं किया, इन्होंने एज्यूम कर लिया कांग्रेस। और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोसी सीमांचल वेट में कन्हैया सर उस चीज को इत्तेफाक करेंगे कि जहां जहां उसकी विनिंग परसेंटेज अगर 5% भी है, मधेपुरा सुपौल जो दो लाइकली रिप्लेसमेंट सीट हो सकते हैं, तो वो सीट भी नहीं दिया इनको कांग्रेस को, कि ताकि तुम पप्पू को वहां नहीं दे सको। अब लड़ाओ तुम पप्पू को कहां लड़ाओगे। अब बात हो रही है कि आज ही पप्पू का ट्वीट देखिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस का झंडा पूर्णिया से लड़ाएंगे, तो हमको लग रहा है कि वो एक फ्रेंडली फाइट पूर्णिया सीट पर हम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस को सिंबल देगी। अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कोट कर रहे थे, उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत हो गई है। आरजेडी के एक नेता ने मुझको कहा कि जब वो दोनों में से कोई बात करेंगे ना राहुल लालू जी से, तब वो बात नहीं कर पाएंगे पप्पू के लिए, क्योंकि एक पप्पू कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। तो ये पप्पू यादव इनकी कहानी ये है कि पप्पू यादव एक रिवेलियस कैरेक्टर है, लालू जी को तो रिपोर्ट किया ही नहीं, तेजस्वी को क्या रिपोर्ट करेगा। अखिलेश प्रसाद सिंह का जैसे राइज होता है, वो जान गया कि हमको अखिलेश प्रसाद नहीं बढ़ने देगा। और एक एक एंगल ये है कि अखिलेश और जो जिसका इशारा कन्हैया सर ने किया कि दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते हैं, दोनों दबंग नेता हैं, और पप्पू का भी करियर 5 टाइम का एमपी रह चुका है, लंबा करियर है, रिपोर्ट नहीं कर सकता है। और अखिलेश जी को ये डर लग रहा है, सता रहा है, कल को कहीं ना कहीं अगर रंजीत रंजन स्टेट प्रेसिडेंट बन जाती है बिहार की, तो इनका इनका पार्टी पर होल्ड कमजोर हो जाएगा, निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा। तो ये एकदम डेड अगेंस्ट थे, अखिलेश प्रसाद सिंह ज्वाइनिंग के टाइम पर नहीं थे, वो एकदम इस पक्ष में नहीं थे ये आए। तो ये मामला अब फंस गया है, उन्होंने जाप का विलय कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि पूर्णिया सीट में क्या होगा आप देखिएगा, बट लेकिन एक एक मुझे लग रहा है कि वहां मैं फ्रेंडली फाइट देख रहा हूँ। जी सौरभ, सुपौल में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सुपौल की जानकारी ऐसी नहीं लग रही है, पहले तो बातचीत आ रही है कि एक सीट पे बैठा पड़े, अब उनका ही सीट फंसा हुआ आ रहा है। सुपौल मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि पूर्णिया सीट पर उदाव खेलेगा, उस सीट को रिप्रेजेंट किया है उस सब पूरे कोसी बेल्ट में। देखिए उसकी उस पप्पू यादव की त्रासदी ये है ना कि अब पेन बिहार नेता नहीं बन पा रहा है, जबकि अजीत सरकार मर्डर केस में एक्विटल हो गया, लेकिन वो जो टैग है ना वो चिपक के रह गया है, जबकि उसके जैसा कोई ब्लड ग्रुप का नहीं, ब्लड मिले तो पप्पू यादव आपको दिलवा देगा, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने में सबसे आगे, बाढ़ है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है, मैं रिपोर्ट करने गया हूं घटना घटी रेलवे इंसिडेंट, पप्पू यादव नहीं मिला हो या किसी मतलब एग्रीड को पैसा नहीं दिया हो, लेकिन इन सब एफर्ट करने के बावजूद भी ही इज नॉट एबल टू बिकम ए पैन बिहार लीडर, वो अपील नहीं हो पाया है। तो वही है उसका है कि जिस कालखंड में लालू जी जिसे नेता हुए वहां पप्पू यादव का स्कोप नहीं हो पाया था, एक लिमिटेड बेल्ट में हुआ है। अच्छा। और वो जो उसका लिमिटेड बेल्ट है उसमें भी आरजेडी ने उनके स्पेस को पूरा श्रिंक कर दिया है, बल्कि एक तरह से कहिए कि ब्लॉक करने की कोशिश की है। आरजेडी की स्पेस श्रिंकिंग की बात चल रही है, मैं चाहता हूं कन्हैया जी पर आऊंगा, उसके पहले संतोष जी आप ही बता दीजिए बेगूसराय में क्या हुआ। कांग्रेस से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने एक डेढ़ हफ्ता पहले लगभग कंफर्मेशन के स्वर में यह कहा था कि नहीं नहीं बेगूसराय से तो हम कन्हैया को चुनाव लड़वाएंगे, वो सीट कांग्रेस ने अपने लिए मांगी है, लेकिन अब वहां दिख रहा है कि आरजेडी ने वो सीट सीपीआई को दे दी और अवधेश राय जो बछाड़ा से विधायक रहे हैं 3 बार के, उनका नाम का ऐलान हो गया है। और जो कन्हैया जी इस चीज़ का हिंट कर रहे थे कि अगर कोई इस तरह का लीडर उभरता है, चाहे वो पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो, तो वो तेजस्वी यादव की सुप्रीमेसी के लिए खतरा है एक एंटी बीजेपी ब्लॉक में। क्या बेगूसराय को लेकर जानकारी है आपके पास संतोष सिंह जी? एकदम आप सही एकदम लाइन ऑफ थॉट है जो पप्पू के लिए होल्ड करता है। जिस समय पप्पू ने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस आरजेडी जब एक गठबंधन के पार्ट हैं, तो कन्हैया का राय ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी कंपटीटर तेजस्वी के लिए नहीं चाहिए, चाहे वो पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो। कन्हैया कुमार के साथ तो स्टेज शेयर कर ही नहीं सकता, एक स्टेज पर कन्हैया इतना प्रखर वक्ता है, लाख भी तेजस्वी की भी अपनी अपील है, इसने जमीन बनाई है, लेकिन जहां तक आप ओरेटरी का लीजिएगा तो
एनी टाइम एनी गिवन डे कन्हैया जी फार बेटर स्पीकर ओरेटर रहेगा। तो वही है कि उसका इमरजेंसी ताकि कांग्रेस के रैंक से हो लेकिन एक सेम एज ग्रुप में एक नेता पैदा हो। लेकिन आपने देखिए कन्हैया की कोई सक्रियता नहीं रही है साल भर, डेढ़ साल से दो साल से मैं देख नहीं रहा हूं। अगर उसकी इच्छा होती कोई होता तो बेगूसराय में घूमता पाया था, उसने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अगर देता तो लड़ता, लेकिन ये हमको लगता है कि एकदम अपने आप को रूल आउट कर लिया उस कंस्टिट्यूएंसी बेगूसराय से लड़ने के लिए। वो सीबीआई की इच्छा रही होगी, वो एकदम नहीं देने वाला था। लालू जी एकदम इस मामले एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट है, नॉट एट एक्सपेंस ऑफ माई सन, कोई लीडर भी नहीं, नहीं कन्हैया नहीं पप्पू। कन्हैया जी आपके नामा राशि को फिर से बेगूसराय से दिक्कत हो रही, टिकटें नहीं मिला। लेकिन अगर लेफ्ट और कांग्रेस आरजेडी सब मिलकर लड़ता तो वो गिरिराज सिंह को चुनौती बढ़िया दे सकते थे इस बार, ऐसा लोगों ने कहा। कन्हैया बिलारी जी नहीं नहीं चलो बोल, वही देखना नहीं ना कि चुनाव ही जीत जाए। मान लीजिए कि हमारा उनका राजद का जो नेता है उसका ही भविष्य खतरे में हो जाते, चुनाव जीतने का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं ना है। थोड़ा सा और हम पीछे जो हो रहा पूर्णिया और सब लेकर के देखिए, लालू यादव को गुड फेथ में लेकर के ही पप्पू यादव को जो भी करना था करना चाहिए था। अगर वो वाकई बनना चाहते थे, लोकसभा में दोबारा जाना चाहते थे, तो लालू प्रसाद यादव की सहमति और आशीर्वाद को लेना चाहता था, लेना चाहिए था। देखिए वो कई बार झगड़ा भी इसके लिए लालू यादव से कर चुके हैं कि असली उत्तराधिकारी मैं ही आपका। एक बार मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां से झगड़ा उगड़ा करके भाग गए थे इस सवाल पर कि मैं आपका उत्तराधिकारी हूं, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और जो पूर्णिया सीट पर चूंकि लालू प्रसाद यादव ने जिसको कैंडिडेट बनाया है बीमा भारती को, उसकी समाज से आते हैं, आप भी जानते हैं गंगोता है। और गंगोता उस एरिया में सीमांचल में या इवन भागलपुर तक जो है उनकी क्या आबादी है। तो अगर गंगोता और ईबीसी के है, लालू प्रसाद यादव का यह है कि हमको इस बार बाप को ज्यादा लेना है, तो बाप में ईबीसी को ज्यादा हमको बटोरना है, माई तो हमको है। पप्पू यादव को लेने से, पप्पू यादव को तो मधेपुरा को दिया, माधे पप्पू यादव को पूर्णिया में रहते नहीं, तो क्या एडिशनल क्या मतलब वोट मिलता, क्या एडिशन होता? कुछ नहीं है। माई तो लालू यादव को पास ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए बीमा भारती के पॉलिटिकल एक सोच लालू प्रसाद यादव का कहा जाएगा कि कैसे पाप को जोड़ने के क्रम में उन्होंने वो निर्णय लिया। और पप्पू यादव वो समझे कि नहीं हमको, हम चूंकि इतना मजबूत हो गए हैं, इतना मजबूत अपने को बना लिए हैं कि हमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यहाँ वो उनका डिसीजन जो है वो गड़बड़ा गया, सोच नहीं पाए कि हमारे साथ। अब तो कहीं के नहीं रहे, बताइए सुपौल भी राजद ले ली, अब समझिए कि मधेपुरा भी राजद ले ली। हाँ। या तो आप राजद में फिराइए और राजद के टिकट पर लड़िए, नहीं तो फिर निर्दलीय। लेकिन मुझे नहीं लगता कि निर्दलीय नहीं चाहिए। कल एक कार्यक्रम में मैं उनके साथ था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आला कमान का जो भी निर्णय होगा मैं उसको मानूंगा। आज भी हमारी फोन से उनसे बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हम आला कमान की बात मानेंगे। अब आने वाले दिनों में क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। अच्छा देखिए आप आला कमान की चर्चा कर रहे हैं, हमको मुंगेर ध्यान आ गया। किसी जमाने में ललन सिंह जेडीयू में आला कमान जैसे हुआ करते थे, अब उनके सामने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के चुनाव लड़ने की बात है। ये क्या है कहानी अशोक महतो की, जो आनन फानन में शादी यहाँ तक चर्चा, और ऐसा क्या वहाँ का समीकरण है मुंगेर का, और अशोक महतो का क्या प्रभाव क्षेत्र है? कन्हैया जी अशोक महतो का क्या है वो तो जानते हैं किस पृष्ठभूमि के रहे हैं। बिहार के बाहर के लोग नहीं जानते हैं, बताना होगा आपको महोदय। अरे उस शेखपुरा नवादा उस एरिया में उनकी पुती बोलती थी। अगर दो मतलब अपर कास्ट है खासतौर से भूमिहारों का तो अखिलेश और ये अशोक महतो, दोनों का दोनों तरफ से काफी चलता था। क्या चलता था तो खुल के बताइए ना, अपराधी हैं, माफिया हैं, बाहुबली हैं, क्या हैं? हाँ हाँ बाहुबली हैं भाई, माफिया हम क्या, माफिया कहिए बाहुबली कहे गैंगस्टर कहिए जो भी कहिए। हाँ। लेकिन अब अरे तो कहिए ना, तो सब पॉलिटिशियन हो गए हैं। हाँ। तो दोनों में खूब चलता था, कितने कितना लोग समझे किसे भगवान को प्यारे हो गए, तो सबसे ज्यादा इन दोनों के आपसी गैंगवार में लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं। अशोक महतो बनाम अखिलेश सिंह, अखिलेश सिंह अखिलेश सिंह भूमिहारों को रिप्रेजेंट करते थे, और उसके बाद पर से कहा था कि अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओबीसी बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा अशोक महतो के सामाजिक समूह से लड़ाई हुई और लड़ाई में कई जाने गए।
अशोक मेहतो किस सामाजिक समूह से आते हैं? सैंड और पत्थर का उद्योग है, उसको लेकर के ये दोनों तरफ से हुआ। तो अशोक मेहतो किस सामाजिक समूह से आते हैं कन्हैया जी? जी अशोक मेहतो किस सामाजिक समूह से आते हैं? कुर्मी हैं। अच्छा, वो कुर्मी हैं। कुर्मी में काफी कुर्मियों के बीच ही नहीं, कुर्मी कोयरी अदर बैकवर्ड कास्ट के बीच भी उनकी पकड़ है। लोग मानते हैं कि ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हम बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुर्मी में कास्ट होती है। तो लालू प्रसाद यादव को था कि भाई एक जो है, हालांकि ये पहली बार तो हुआ नहीं, आप भी जानते होंगे, इतना तो जानते हो कि पहली बार नहीं है कि शादी किया गया चुनाव लड़ने के लिए। इसके पहले अजय सिंह जो है सिवान में, जिनकी पत्नी कविता सिंह अभी भी एमपी हैं, हालांकि इस बार टिकट नहीं मिला उनको, तो उनकी सास मर गई थी। अजय सिंह जो गंगेश बहुत बड़ा बाहुबली जो इलाके के हैं, तो उनकी माँ जो है जगमातो देवी एमएलए थी दरौंदा से, तो उनका इंतकाल हो गया। तो अजय सिंह ने कहा कि हमको टिकट दे दीजिए, नीतीश ने कहा कि नहीं, आप पर बहुत ही बार केसेज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेज, आप शादी कर लीजिए। तो उन्होंने जो है पितृपक्ष में शादी कर लिया, पितृपक्ष में शादी होता नहीं है। इसके बाद उनकी पत्नी को एमएलए बनाया गया बाद में। उसी तरह लालू प्रसाद यादव के पास है, लालू प्रसाद यादव ने कहा ना ना तारा का टिकट ना दे, तारा का टिकट दे, तारा पर बहुत दुख झेलने पड़ा, क्या करे, तो आप शादी से पूरा कर लो। तो जैसे 16 साल, 62 वर्ष उम्र है, 16 साल की एक, अच्छा 46 साल नौकरी करने वाली, बढ़िया अच्छी नौकरी करने वाली, तैयार हो गई, उन्होंने शादी कर लिया, टिकट मिल गया। अब पहले जैसे स्थिति है नहीं, और जब ये छूटे थे तो मुझे लगता है कि जो संतोष ज्यादा थोड़ा कनेक्ट करेंगे उसको, कि जब आनंद मोहन छूटे थे उसी समय शायद ये भी छूटे थे। और लोग नीतीश जी के लोग ये कहते हैं कि बताइए नीतीश कुमार हमारा नेता छुड़ाया, आई हो गए लालू के साथ। तो ये भी मैं बताइए, हमारा नेता छुड़ाया इनको से हो गए लालू के साथ, तो भाई जिसका जहां जुगाड़ बैठेगा वही ना जाएगा, सर जुगाड़ है नहीं। तो लालू जी के साथ चुनाव लड़ना है, उनको भी नेता बनना है, क्योंकि अखिलेश के बराबर आना, अखिलेश की पत्नी भी एमएलए हो गई है, ये भी आज एमपी चुनाव लड़ रही है, हो सकता है कल ये भी एमएलए बन जाए। संतोष जी इसमें क्या जोड़ेंगे आप? हाँ, मैं इसमें ये जोड़ूंगा कि एक तो 17 साल में जेल रहने के बाद पर किडनैपिंग, ये अटेम्प्ट मर्डर, इनसम एक्सट्रॉर्शन, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, और उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकली सुटेबल बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड फाइट को पिचिंग किया है। लेकिन आप रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखेंगे, सिर्फ एक अफसार का जो कांड है जिसमें कि 12 मेयर का डेथ हुआ था नवादा में, उसमें उनका नाम आया था, जबकि उसमें साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया उनको। और शेखपुरा का जो मणिपुर का जो हुआ है उसमें 4 बच्चे से टोटल 7 लोग मारे गए थे, वो चौरसिया समुदाय के थे, ओबी समुदाय के थे, तो किसी मुखबिरी का आरोप लगाया था, तो उसमें भी वो शायद छूट गए। तो उनका जो कन्विक्शन हुआ है वो नवादा का जेल ब्रेक जो हुआ है उसमें इनका कन्विक्शन हुआ है। तो लेकिन उन्होंने जो इस अपनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फॉरवर्ड के अगेंस्ट में लड़े हैं, इट वॉज नॉट जस्ट बैकवर्ड वर्सेस फाइट, उन्होंने उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड में, उनके विक्टिम्स में, मैं ये कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड्स भी इंक्लूडेड है, वो 7 चौरसिया ओबीसी समुदाय के थे जो मारे गए थे। तो अलग बात है, चूंकि कन्विक्शन नहीं हुआ हम नहीं कह सकते उनका एलिज इन्वॉल्वमेंट था उसमें, कन्विक्शन तो एक में ही हुआ है। तो अब जो वो निकल करके आते हैं तो उनको लगता है कि भाई जैसे कन्हैया सर ने कहा लालू जी से मिलने गए, तो सेम चीज लालू जी ने कहा कि देखिए तुम तो 6 साल नहीं लड़ सकते, तो आप जोड़ लीजिए 23 से लेकर 29 तक लड़ नहीं सकते हैं, तो शादी कर लो। तो अब 17 साल तो जेल ही रह गए। तो एक पत्रकार निकलने के बाद पूछा था, क्वेश्चन पूछा का कितना क्वेश्चन पूछते हो, तो हम 17 साल में जेल में बोलना ही भूल गए हैं, हमको बोलने नहीं आता है, तुम लोग इतना सवाल पूछते हो, तो ऐसे करके वो बताते हैं। तो वो देख रहे हैं। अब मुझे एक बात थोड़ा सा कंफर्म, मैंने सुना है शायद कन्हैया सर वही करेक्ट करेंगे, क्या उनकी पत्नी दानू कनिता देवी, तो वो तो कुर्मी है, तो वो लालू जी जिसके बाप जो बला जो ट्राई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो देख रहे हैं कि उस इक्वेशन में क्या हम इन रोड्स दे सकते हैं। क्योंकि एक बार जो पूर्व पत्रकार रच में प्रगति मेहता, उनको भी लालू जी ने मुंगेर से लड़ाया था। तो इनका क्या है कि अब बिहार डायरी जब अमित लोधा का आया, उस पर खाकी द बिहार चैप्टर काफी धूम मचाया, तो अब जो है नया यंग जनरेशन भी उसको देख करके वो जान रहा है हुज अशोक महतो, जिसने कि ओटीटी देखा है आज के जमाने में जो बच्चे देखते ही हैं, तो उस चीज का भी वो फायदा उठा रहा है। भले ही अमित लोधा को ऑन रिकॉर्ड वो अभी भी कोस रहा है कि वो ऐसे मुझे पकड़ा,
झारखंड से पकड़ा गया, नाम कमा लिया। लेकिन लालू जी ने एक जो रियल पॉलिटिशियन की तरह वो सोशल इक्वेशन देखा और उसका नोटोरिटी देखा, मैं नहीं कहूंगा कि वो फेमस है, उसकी नोटोरिटी देखी और देखा क्या इस चीज को पॉलिटिकली इनकैश किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो एक कोई अकेला पहला व्यक्ति होगा जो इस बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, ऑलरेडी इस मैदान में ऑलरेडी है, तो कोई उनको कभी नहीं दे सकता कि आपने इसको क्यों टिकट दिया। तो उस हिसाब से अशोक मेहता को की पत्नी को टिकट दिया। आप अमित लोढ़ा का जिक्र कर रहे हैं, मुझे आनंद मिश्रा याद आ गए, आईपीएस असम काडर से इस्तीफा देके आए, चर्चा थी कि बक्सर से बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं पर टिकट नहीं मिला। क्या जानकारी हमारे पास, बक्सर में क्या हुआ? अश्विनी चौबे का टिकट कटा पर आनंद मिश्रा को नहीं मिला। यहाँ पे पहले भी एक आईपीएस इस्तीफा देके टिकटार्थी हो चुके हैं, उनको भी निराशा हाथ लगी थी। हालांकि आनंद मिश्रा के लिए ये कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी आला कमान की तरफ से ये आश्वस्ति दी गई है कि बिहार की भाजपा की भविष्य की योजनाओं में आपके लिए अहम जिम्मेदारियां हैं और मैदान पर सक्रिय रहिए। मैं सिर्फ इसमें ये बताऊंगा इसमें आनंद मिश्रा वाले में कि इनका नाम सेंट्रल लीडरशिप ने किससे बातचीत किया नहीं किया ये हम लोग पता नहीं, स्टेट लीडरशिप इनकी किसी से मुलाकात नहीं। अच्छा, सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं हुई है और नहीं उसके नीचे किसी मुलाकात हुई है, नहीं इन्होंने फॉर्मली कभी पार्टी ज्वाइन किया है। ओके, कभी भी अब केंद्र से कहा के आ जाए यहाँ और उनका इस तरह से नाम चलता रहा है, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है वो फॉलो इनके केस में नहीं हुआ था कि ये आ रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जिनको टिकट दिया गया, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और हम लोग कम उनका नाम जानते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय थे, अभी स्टेट लेवल में जनरल सेक्रेटरी हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ है, अब उनका कटा टिकट क्यों? तो वो अजय निषाद इनके बारे में कहा गया है कि इनका फील्ड से इनपुट जो है अच्छा नहीं था, क्योंकि दो तीन पैरेलल सर्वे बीजेपी अपना करवाती है, फील्ड में नहीं जाते थे, लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं था, अश्विनी चौबे के कारण से कटा है। वो एज फैक्टर वाला कारण नहीं है, एज फैक्टर में बहुत लोग निकल जाते हैं, एज फैक्टर इज नॉट एट ऑल द इशू इन दिस केस। उनका था कि एक तो भागलपुर के हैं, वहां का एक क्राउड का कनेक्ट नहीं है, तो इस बिना पर ग्राउंड फीडबैक के आधार पर। और जो मिथिलेश तिवारी को गया, मिथिलेश तिवारी कोई नया नाम नहीं है, भले ही एक बड़ा इमरजेंस नहीं देखते हैं, लेकिन पुराने बीजेपी के लीडर हैं, इसलिए उनको दिया गया है। और आनंद मिश्रा का तो हम लोग लास्ट में चर्चा सुने, लेकिन वो रिसेंटली था, इस स्टेट लेवल पर हमने कोई चर्चा नहीं सुनी थी। और ये जो कहा जा रहा था कि राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद के टिकट पर खतरा है और ऋतुराज सिन्हा का टिकट लगभग तय बताया जा रहा था पटना साहिब से, वहां क्या हुआ? नहीं, इसमें भी मैं डिसएग्री करता हूँ। इसमें क्या है ना कि ऋतुराज सिन्हा ने कुछ मतलब लगभग हमको लगता है कि एक महीना पहले पार्टी वार्टी जर्नलिस्ट को उन्होंने अतिथि बुला के माहौल बनाने के लिए सब प्रयास करता है, लेकिन सबका फीडबैक गया एकदम, मतलब एकदम कंटेंशन में थे, हम लोगों को भी लग रहा था कि हमको लगता है कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने रविशंकर प्रसाद को दिया गया, वो भी उनका ग्राउंड फीडबैक खराब नहीं था इसलिए दिया गया। तो अब उनका काटा जाता तो बात हो रही थी कि रूड़ी जी को भी नहीं मिलेगा, राधा मोहन सिंह का भी कटेगा, लेकिन राधा मोहन सिंह की ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ है। आप रूड़ी को हटा करके कोई दूसरा कैंडिडेट बताइए जो कि रोनियाचार्य के केस में लड़ सके। तो सब जब बातचीत होती है फाइट की तो देखता है कि हु वर्सेस हु और उसमें टिकेगा कि नहीं टिकेगा कैंडिडेट। तो जहां हम 400 पार की बात ही करते कोई पार्टी जीतने की, तो वो और सब कंसिडरेशन को देख करके विनिबिलिटी फैक्टर देखती है, तो वो सारी विनिबिलिटी फैक्टर को देख करके ये कंसिडर किया गया था। हाँ, लेकिन ये मैं मानूंगा कि ऋतुराज सिन्हा का नाम लास्ट तक चला है, हो रहा है, लेकिन ये एक हम लोग मीडिया में ज्यादा डोमेन में था, लोग इंटरनल हम लोग पार्टी की जानकारी नहीं थी कि पार्टी में कोई किसी ने कंफर्म कर दिया है, उनके लोग एक कह रहे थे हम लोगों के, नहीं उनका तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो जिसका कंफर्म होना होता है वो इस तरह से नहीं बोलता है, वो एक पोस्टरिंग कर रहे थे कि हमारा नाम आगे चले, जो कि हुआ नहीं। राधा मोहन सिंह के बारे में कहा गया था, लेकिन राधा मोहन सिंह अभी भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ है, उनका रिप्लेसमेंट शायद वहां नहीं ढूंढ पाई, और सेम विथ राजीव प्रताप रूड़ी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्टी वाज नॉट सो हैप्पी विथ हिम। जी कन्हैया बेलारी जी, क्या जोड़ेंगे, बीजेपी का ओल्ड गार्ड फिलहाल तो बच गया? नहीं, हमारे पास जो जानकारी है कि राजनाथ सिंह ने पूरा अंगद पांव जो है जमीन में गाड़ दिया कि एक भी राजपूत का बिहार से नहीं कटना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होगी। और जो है पिछले बार की तरह प्राइम मिनिस्टर उतना लगता है मजबूत नहीं रहे कि नहीं जिसको चाहे उसको काट, पिछले बार तो भाई राजनाथ सिंह बहुत टिकट चाहते थे कई लोगों का, नहीं बने, इस बार हमारे पास उन्हीं का आदमी सब कहता है कि एकदम राजनाथ सिंह का कि नहीं
इसी पांचों का नहीं, राधा मोहन सिंह 75 बरिस के हो गए हैं, राधा मोहन सिंह 75 बरिस के हो गए हैं, तो हेमा मालिनी भी तो 75 बरिस की हो गई हैं, उनका कहाँ कटा, राधे मोहन से 75 बरिस के हुए हैं। वो लोग जो बतिया रहा है कि एक ये भी कारण है, और रविशंकर प्रसाद के बारे में रविशंकर प्रसाद से कौन सी ऐसी गलती होती है, ये तो हमेशा लुभा रहे हैं, जब भी जो बात जितना जानकारी है उनको डिफेंड करते हैं किसी भी मुद्दे पर, प्रवक्ता एज ए प्रवक्ता कौन है यहाँ पर जो अब जिनकी नाम देने चले, तो ये बात संतोष सही कह रहे हैं कि हम लोग के मीडिया में ये बहुत चर्चा थी ऋतुराज सिन्हा की, लेकिन अंदर की जो आचार्य ये सम्राट चौधरी जो है स्टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, दिलसानिया जी, इन लोगों का भी राय को बहुत रखा कि मैंने तवज्जो दी गई है, तो ये पक्ष गिरिराज सिंह के भी पक्ष में ये रहते, गिरिराज सिंह पहला आपको याद होगा निश्चित तौर से कि गिरिराज सिंह पहला एमपी और मंत्री थे जो सम्राट चौधरी को एक मीटिंग में कहते हैं कि वहीं बेगूसराय में कि हमारा अगला चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी है, उन्होंने घोषित भी कर दिया था वहां पर, तो उनके बारे में भी तो इनका भी कटेगा, इनका भी कटेगा, विकास वैभव को टिकट मिलेगा, राकेश सिन्हा को मिलेगा, किसका किसका नाम चल रहा था, लेकिन ये मतलब मीडिया में ही चल रहा था, लेकिन देखिए वो भी जितने ये जरा बताइए क्या कहानी है आईपीएस विकास वैभव का, कहां से टिकट मांग रहे थे, मांग रहे थे मैं ये नहीं जानता हूँ, चर्चा में था बेगूसराय, अरे हम भी चर्चा ही कर रहे हैं कन्हैया जी, रहेगा ना, हम भी चर्चा ही कर रहे हैं, वो चलाते हैं अपना लेटेस्ट इंस्पायर बिहार, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ जा करके मीटिंग उटिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन भी बहुत क्लासेस लेते हैं, हालांकि जब नीतीश कुमार उन पर कुछ बैन भी कर दिए थे, इसके बावजूद भी चलाते रहते हैं। एक चीज और बता दो, वो आप जो आसाम कैडर के जो आनंद मिश्रा वाला, आनंद मिश्रा के बारे में जो हमको जहां तक जानकारी है कि उनके पैरोकार जो थे, एकमात्र पैरोकार वो हेमंतो विश्व शर्मा थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको बना टिकट दिलवा देंगे वहां से, तो वो काफी पॉपुलर हो गए थे, बहुत सारे काम करते, असल में पॉपुलर जो आईएएस आईपीएस हो जाते हैं वो लगने लगता है उनको कि अब यहाँ क्या जरूरत है हमारी, चलिए पार्लियामेंट में वहीं दहाड़ा जाएगा, वहीं से अपना देखा जाएगा, वही गुप्तेश्वर पांडे के भी साथ हुआ था जिसका आप कह रहे थे, तो अब तो कथावाचक बन गए हैं, वहां वीआरएस भी ले लिए, नीतीश ने टिकट भी नहीं दिलवाया, तो अंततः उनको कथावाचक बनना पड़ा, नहीं तो वो तो एक आपको बता देते हैं छोटा सा किस्सा, बताइए, सुशील कुमार मोदी ही बता रहे थे, सबसे पहले गुप्तेश्वर पांडे में भाषण दे, जो इतना बढ़िया वो भाषण देते हैं, जानकारी है उनको रामायण महाभारत बात बड़ा बढ़िया थे, तो वो बेगूसराय के एसपी हुआ करते थे, आडवाणी जी वहां आए थे और आईओसी के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहां उनकी मुलाकात थी, तो ही सजेस्टेड हिम कि तुम राजनीति में चले आओ, कहा कि ठीक है, तो इसके बाद इन लोग का तो अपना जो सुशील कुमार मोदी आडवाणी जी, तो चुनाव जब आया तो चुनाव में इनको 2004 का शायद चुनाव 9 का चुनाव था, 9 का कन्हैया जी 9 का चुनाव था, ना बात क्या, वो तो किसान नहीं, वो उससे पहले का मैं बता रहा हूँ, बताइए, तो इनको ले गए थे लोग, वहां गए थे और लाल मुनि चौबे का टिकट कटवाना था, लाल मुनि चौबे का कैसे टिकट, ये लोग पूरा स्थिति बना करके गए थे, कैसे हम लोग गुप्तेश्वर पांडे भी वहां चले गए थे, अपना इस्तीफा लेकर के, बस वहां से लाल मुनि चौबे का कटेगा, हम लोग तुरंत मैसेज देंगे आपको, तुरंत इस्तीफा दे करके और लड़ जाना, तब हो गया, चर्चा शुरू हुई, जो चयन समिति है उसके बाद आते आते हो तो जानते हैं कि वाजपेयी जी पूरा आंख बंद करके अपना बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, जब आया बक्सर, वाजपेयी जी बक्सर, बक्सर में क्या चर्चा करना है जी, वहां तो है ना अपना चतुर्वेदी, वो क्या नाम है उसका, चौबे, तब अब जो है मोदी जी आडवाणी जी को देख रहे हैं, आडवाणी जी मोदी जी को देख रहे हैं, सन्नाटा छा गया, तो सवाल ही नहीं है, वाजपेयी जी के हिस्सा, वो किसी के आगे पीछे नहीं घूमते थे, लाल मुनि चौबे जी दी ऑनेस्ट आदमी थे, वो क्षेत्र में काम हो ना हो से कोई मतलब, साफ कहते थे कि हमको तुम लोग वोट देते हो क्या, वाजपेयी जी को देते हो,
ईमानदार आदमी थे, और यहाँ से उनका जब नाम जाता था, जिस जाता है ना, जिला से नाम जाता है, फिर राज्य से नाम जाता है, उसमें यहाँ से उनका नहीं जाता था, कभी नहीं गया, केवल वाजपेयी जी नहीं, बाकी किसी का नाम कंसिडरेशन में नहीं रहेगा। तो उस पर कट गया। 9 में तो इस्तीफा दे दिया ये। हाँ। इस्तीफा लेकर के उन्होंने कहा कि मैं अब जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा, मुझे जनता की सेवा करनी है। उत्तर पांडे अच्छा अल्लाह, उस समय के होम सेक्रेटरी थी अफजल मानुल्लाह, उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है, अब इसकी नौकरी नहीं बचेगी, चली गई नौकरी। लेकिन नीतीश कुमार जैसा ऐसा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि देखिए हट गए होम सेक्रेटरी से, ये अभी जो चीफ सेक्रेटरी रहे, क्या नाम है, देखिए अकलियत मुस्लिम समाज से अभी चले गए, लेकिन नाम मैं भूल रहा हूँ, बताएंगे संतोष जी। जब होम सेक्रेटरी बन गए तो नीतीश कुमार जी ने फाइल बना कर अमीर सुभानी अच्छा ये बताइए शिवानी जी, जब समस्या है तो समाधान भी है। यस सर। तो ये समस्या है, कुटेश्वर पांडे बड़ा बढ़िया अफसर है, तो क्यों नहीं इन्हें कैसे इनको नौकरी में लिया जाएगा, अब जरा बनाइए तो मसौदा हमसे, और बना तुरंत नौकरी में आ गए, और नौकरी में आ करके जो है, लेकिन राजनीति तक पूरा बताइए ना, मुख्यमंत्री को दिल्ली का चक्कर भी लगाना पड़ा था, फाइल यहाँ भी आ गई थी। जी संतोष जी आप, हाँ 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 मैं ये अंदर की थोड़ा बात बता रहा हूँ। हाँ। तो इसके बाद जो है ये अपना आ गए। हाँ संतोष जी, क्या जोड़ रहे हैं इसमें गुप्तेश्वर पांडे वाले में संतोष जी? हाँ हाँ, तो गुप्तेश्वर पांडे फिर नौकरी में आ गए। हाँ। और नौकरी में आ गए तब डीजीपी तक बन गए, और डीजीपी बनने के बाद वो जो एक क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला में देखे रहे थे पूरा एकदम, यही कहते थे कि मुझे 2000 में नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या क्या बोलते रहते थे, और ये अपना प्रचार उचार एमएलए का सब शुरू कर दिए थे, वहां फीस भी खोल दिए थे बक्सर में, इनको था कि अच्छा बक्सर जो सीट है भाजपा की सीट है, तो जेडीयू की है नहीं, हालांकि जेडीयू अदला बदली होता है तो जेडीयू नहीं ले पाई, चौबे जी लड़ गए कि नहीं वो कैसे आएंगे यहाँ पर, चौबे जी को भी डर लगने लगा, तब बेचारे जो बीआरएस भी ले लिए थे फंस गए, अब फंस गए तो फंस गए, उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं था तो कथावाचक। जी संतोष जी क्या जोड़ेंगे इस कहानी में? नहीं ये कहानी तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया, मैंने उसमें यही था कि उसमें प्रतिभा देवी पाटिल थी उनके पास फाइल जाकर के रिवर्सल, नीतीश कुमार ने पुरजोर कोशिश करके इनका रिवर्सल किया था। मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, विकास वैभव जी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी हाल में एक मीटिंग में, तो मैंने उनको बिना घुमा फिरा करके सीधे पूछा कि बक्सर से लड़ रहे हैं यहाँ से बेगूसराय से, तो बोला कि अगर मैं बेगूसराय लड़ूंगा बिना गिरिराज सिंह के आशीर्वाद की नहीं हो सकता है, तो उनका ये था कि मान लीजिए नवादा सीट जो कि बीजेपी अभी लड़ रही है विवेक ठाकुर लड़ेंगे वो शिफ्ट कर जाते हैं तो उनके ब्लेसिंग के बिना नहीं लड़ सकता, तो इच्छा तो उन्होंने जाहिर की वांटेड टू कंटेस्ट, राकेश सिन्हा का भी नाम चल रहा था, तो लेट्स इंस्पायर बिहार का प्रोग्राम उन्होंने काफी अच्छा घूम घूम के किया, 50-60 हजार का क्राउड, अच्छा मतलब एक, लेकिन वो भी बिहट के हैं उसी समुदाय से आते हैं, तो वो ऑफकोर्स ही हैज पॉलिटिकल एम्बिशन, लेकिन वो जान रहे थे कि गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर नेता को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास इस बार किया, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि उनको मिलेगा ही मिलेगा। जी इतना ही जोड़ना था मुझे। जी अब बेगूसराय जरा सीवान का रुख करते हैं, हिना शहाब ने पर्चा भरा है, AIMIM ने सपोर्ट दिया, जरा AIMIM का एंगल समझा दीजिए, क्योंकि किशनगंज में भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पर्चा भरा हुआ है, चुनाव लड़ने की मतलब तैयारी की है, पर्चा तो अभी नहीं भरा है, और AIMIM ही थी जिसने एक डेंट भी दिया था और जिसके विधायक टूट के RJD की तरफ भी गए थे, तो ये फैक्टर क्या है और सीवान में क्या आप लोगों को आसार दिख रहे हैं? संतोष जी सीवान में अब साबुद्दीन का टाइम अलग था और हिना साहब को भी 2-3 बार मौका मिला तो वो प्रूव नहीं कर पाई, तो अब हमको लगता है कि RJD होता है ना कि मूव ऑन वाले स्टेज में आ गया कि अब ये नहीं चलेगा, अब कुछ नया इक्वेशन नए लीडर को खोजना पड़ेगा, तो हिना साहब वाला फैक्टर उनको अब चल नहीं पा रहा है कि वो साहबुद्दीन ही पासे वाली बात है, तो वो मुझे लगता है कि अब उस पर बेट नहीं करना चाह रही है। अब AIM ने दिया है तो AIM के बारे में तो पूरा एलिगेशन लगता है कि बीजेपी का प्लांट है, उसके कारण से टिकट माइनॉरिटी का टिकट मुस्लिम का टिकट काटने के लिए उनको खड़ा किया जाता है ताकि महागठबंधन का कट जाए, बीजेपी को सपोर्ट हो, तो कितना कर पाएंगे, मुझे लगता है इस बार सीवान का बैटल एक नए तरीके से हुआ क्योंकि कविता सिंह भी नहीं लड़ रही हैं और कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया है, तो एक जो सोशल इक्वेशन जिस तरह से हुआ करता था
वो एक अलग सोशल इक्वेशन बीजेपी ये ट्राई कर रही है, इन्होंने कुशवाहा वाला पेट किला है, वो अब अटेम्प्ट करेंगे कि उनको मुस्लिम यादव के अलावा क्या क्या वोट, अभी पता नहीं कौन से कैंडिडेट ये करेंगे आरजेडी की तरफ से आएगा। तो मुझे लगता है कि हिना साहब पर इतना ही कह सकता हूं, मैंने उनका कवर भी किया हुआ है, तो उनको लग नहीं रहा था कि एक सीमा के बाद एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया, अब उनको पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी आरजेडी उनके साथ नहीं दिख रही। जी अच्छा कन्हैया जी, इसमें कुछ जोड़ेंगे? AIMIM फैक्टर, AIMIM जब सपोर्ट करने की बात कर रही है कि हम हिना साहब का सपोर्ट करेंगे, तो ये हिना साहब के लिए मैं जो समझ रहा हूँ ये घाटे का सौदा होगा। ताकि सौदा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इनके तरफ से तो हो सकता है एक तरफा उन लोगों ने कह दिया हो कि हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तब जो है बहुत सारे हिंदू जो हैं जो शहाबुद्दीन के साथ रहे हैं वो बिदक जाएंगे। वैसे अगर ये निर्दलीय केवल लड़ती AIMIM का सपोर्ट नहीं रहता तो राजपूत भी, क्योंकि मेरी बातचीत होते रहती है राजपूत भी उनको, चूंकि राजपूत वहां से जो रमेश कुशवाहा की पत्नी को दे दिया गया, कुशवाहा वहां से कभी जीते नहीं है लोकसभा के चुनाव, एक बार कुर्मी जीते थे विष्णु पटेल, मुझे लगता है कि 91 में वो जीते थे, वहां ब्राह्मण जीते हैं, वहां शहाबुद्दीन भी जीते हैं, राजपूत जीते हैं। तो ये उनके लिए घाटे का मतलब होगा, वो अगर मालिक वहां से के, अब तो मालिक को 3 सीट दिया गया है, मालिक को तो वहां से मिलेगा नहीं, वो सबसे बड़ी बात है कि वहां से राजद का कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, ना हम लोग नहीं लड़ेंगे, अवध बिहारी चौधरी के बारे में क्यों लड़ेंगे, अभी एक उमा शंकर सिंह जो है MP हुआ करते थे महाराजगंज से, MP थे, उनके पुत्र है जितेंद्र स्वामी, वो भी लगे हुए हैं, अब मिलता है कि इसको देखने वाली बात होगी। लेकिन हिना साहब को राजद जो है कैंडिडेट तो अब बनाने से रही, वो बनाएगी नहीं, अब बहुत सारा दूरी हो गया है। लेकिन अब वहां पर देखिए हमारे समझ से मजबूत स्थिति में NDA रहे। जिक्र हो रहा है तो हम लोग लगे हाथों शिवहर भी चलते हैं, जहां पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में है। क्या दिलचस्प समीकरण दिख सकता है संतोष जी? देखिए शिवहर सीट का स्वैपिंग ही लवली आनंद के लिए किया है, रमा देवी को टिकट बीजेपी ने डिनाय किया कि भाई एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि चलो भाई इनको बनाया है, एक रिस्क लिया जाए। JDU की डील ही थी कि भाई हमको एक सीट चाहिए, शिवहर चाहिए प्रेफरेबली, बीच में थोड़ी दिन औरंगाबाद की भी चर्चा हुई थी, लेकिन लगा शिवहर सीट से ऑलरेडी ये पहले जीत भी चुके हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो बीजेपी ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के रमा देवी की नाराजगी, उनके साथ कुछ बातचीत हुई होगी कि आपको कंपनसेट किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, अभी तक तो रिवेलियस नहीं है, तो वो एकदम आप जिस तरह से देखिए ट्रस्ट वोट में क्रॉस ओवर कर होता है, उनका उनका बेटा चेतन आनंद आता है, तो उसके पहले भी जब से वो आनंद मोहन जेल से आते हैं, उनको वेवर दिया जाता है, निकलते हैं, तो उसी समय से स्पष्ट हो रहा है, और फिर जा करके उनके सहरसा के उनके गांव में पचगछिया में सब एक मीटिंग होती है, उनके पिताजी चाचा को सुनता सेनानी है, उसमें नीतीश कुमार जाते हैं और बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत वागत होता है, तो उससे स्पष्ट हो गया था इन सारी स्टोरी को कि ये फाइनली आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो आनंद मोहन तो लड़ेंगे नहीं, तो एकता के MP लड़ेंगे तो MP में सीट कौन सा बचता है, तो इलिमिनेशन से वो वैशाली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, शिवहर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो शिवहर लगा तो उसके लिए बीजेपी से उनको डील करना पड़ा कि भाई हमको शिवहर सीट का स्वैपिंग चाहिए, तो शिवहर सीट उन्होंने लवली आनंद के लिए किया है, तो शिवहर का बैटल भी वन टू वॉच आउट, क्योंकि ये इस पर पूरा डिपेंड करेगा कि आनंद मोहन का पॉलिटिकल रिवाइवल के कितने चांसेस हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो चूंकि NDA कैंप में आ गए हैं तो उनके चांसेस बन रहे हैं इस बार, अब देखते हैं आरजेडी कौन सा कैंडिडेट वहां से फील्ड करता है, लेकिन अभी तक जो बेस्ट डील हो सकता था आनंद मोहन के लिए वो शिवहर सीट के रूप में मिला है। इट विल बी अ वेरी गुड कंटेस्ट। जी कन्हैया जी, लालू परिवार से कौन कौन चुनाव लड़ेगा लोकसभा का? लालू परिवार से तो कोहड़िया चार लड़े, वो स्पष्ट ही है, सारण से और मीसा भारती दोनों पीला लिफाफा मिल गया है, यहाँ पीला लिफाफा की चर्चा है ना, लालू प्रसाद यादव जिसको पीला लिफाफा दे दिया, पीला लिफाफा के साथ जो है फोटो जो खिंचवा लिया समझ लीजिए उसी के अंदर सिंबल है। भोजपुरी में एक गाना है पवन सिंह का, पियर फराक वाली, तो उसी तरह पियर फराक वाली ने गाना, बड़ा पॉपुलर गाना है पियर फराक वाली, वैसे ही चल रहा है पियर लिफाफा वाला, पियर लिफाफा जिसको मिल गया, दोनों बेटियों को दे दिया उन्होंने,
रोहिणी आचार्य को भी दे दिया, मुसा भारती को भी दे दिया, तो दो अब तीसरे की संभावना नहीं बनती है यहाँ पर, दो ही है, बाकी दो MLA है, यह है, चार हो गए। भविष्य में हो सकता है कि एक देखिए बड़ा चलता है कि भाई उत्तराधिकारी के लिए क्या क्या, उत्तराधिकारी के लिए बड़ा आपस में अनबन होगा या कुछ नहीं होगा, तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी हैं, और भविष्य में अगर कोई होता है वैसा वैसा जैसे केजरीवाल के साथ हुआ, तो उनकी पत्नी होगी और कोई बहन नहीं होगी, हमारा अपना ऐसा मानना है कि वो रेचल साइड नाम है, रेचल वही होगी। मैं इंडोर्स करता हूँ सर। अच्छा, मैंने कहा कि सर का चॉइस में वो अपने जो उन्होंने बोला है एकदम इंडोर्स करता हूँ, यही चर्चा है। देखिए दिल्ली में दो रिंग रोड है ना, एक मेन रिंग रोड, एक आउटर रिंग रोड। सिस्टर जो है ना आउटर रिंग रोड पर है, मेन रिंग रोड पर यही लोग रहेंगे, मेन वाले पर। वाटर रिंग रोड में रहिए, लोकसभा राज्यसभा सब खेलते रहिए। अच्छा ये बताइए परिवार का बात हो रहा है, आनंद मोहन जी वाला पर थोड़ा बता दू मैं, नीतीश कुमार आनंद मोहन जो है अभी भी, जैसे एक कहावत हमी के भोजपुरी में बा, बुरा कोई नाम मानी सुनी पर, सरल तेली भी एक अधेली, यानी उसमें कुछ ना कुछ रहता है। आनंद मोहन का अभी भी बिहार में राजनीतियों के बीच में, ऑफकोर्स पहले वाला नहीं है जो पहले था 94 में 95 में जो लालू यादव के खिलाफ चलता था, लेकिन आज भी है उनका। नीतीश जी ने सर्वे करा करके देख लिया, इसीलिए वो चाहते थे कि आनंद मोहन हमारे साथ आए, उनको जेल से छुड़वाया गया और फिर जो है लेकर के उनको घूमेंगे पूरे बिहार भर में, ताकि अपर कास्ट का खासतौर से राजनीति को। कैसे हैं आपके मित्र कन्हैया जी? लालू यादव को वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, सोच रहे हैं लालू यादव को, वो इलाका जो है भाजपा बैस, वहां से रमा देवी बैस थी, हमेशा तीन बैस लड़ते थे बीजेपी की तरफ से, जीतते भी थे, सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से, रमा देवी हो गई और एक पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय, इस बार तो केवल एक ही बैस को मिला। अब लोजपा ने किसी राजेश वर्मा को दिया है या देने की बात सोच रहे हैं, तो दो होंगे। तो ऋतु जायसवाल जो है उनके बारे में चर्चा को लिए, एक और चर्चा है कि एक MLC है बीजेपी, वो भी अपनी पत्नी को चाहते हैं कि राजद का टिकट दिलवाते। अच्छा आप ये बताइए कन्हैया जी, आप अपने दोस्त नीतीश कुमार के बारे में नहीं बता रहे हैं कुछ भी, नेता नगरी में एकदम है सन्नाटे में है, दोस्त दोस्त ना रहा, हाय तकलीफ है। तो हम क्या बताने की बात है, अब बैठकी नहीं होता है सुबह वाला, प्यार बना हुआ है आपका है, प्यार बना है लेकिन बैठकी नहीं हो रहा है क्या, इसलिए रहता है ना कि टर्निंग अराउंड तो उस आदमी ने किया ही है। अगर 2005 में नीतीश कुमार नहीं आए होते बिहार में, तो हम लोग भी आपके तरह दिल्ली में ही होते, हो सकता है कि आप ही कंडर में काम कर रहे होते, या थोड़े रहने लायक रह जाता अगर लालू प्रसाद यादव कंटिन्यू कर गए होते, तो ये कहने में हमको थोड़े संकोच और डर है। बस एक संशोधन है, कन्हैया जी ने कहा कि आप ही के अंडर में काम कर रहे होते, इस पर दो मेरी सम्मतियां हैं। पहली चीज तो कन्हैया जी इतने तेजस्वी, इतने प्रखर संपादक हैं कि बहुत मुमकिन है कि मैं उनकी संपादकत्व में काम कर रहा होता, पॉइंट वन। दूसरी चीज, लल्लन टॉप में कोई मेरे अंडर में काम नहीं करता है, साथ में काम करते हैं, यहाँ अंडर का कंसेप्ट है नहीं, यहाँ हमारे प्रोड्यूसर बैठे हैं गौरव ताम्रकार, वो हमसे कहेंगे खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, कहेंगे कट कर दो तो मैं कट कर दूंगा। बहरहाल जोक्स अपार्ट, मैं सीट शेयरिंग पे आऊंगा संतोष जी, उससे पहले अब चूंकि परिवार की बात चल रही है तो जरा चिराग पासवान के परिवार का भी हालचाल ले लेते हैं। उनके बहनोई अरुण कुमार भी चुनाव लड़ेंगे क्या? अरुण भारती जी मेरी परसों मैंने इंटरव्यू किया जो मेरा कल छपेगा। मैंने उनका पूरा ये पहला ही प्रश्न मेरा यही था कि भाई आपके पिताजी पे आरोप लगता था कि एकदम पूरा पासवान भर देते थे, तीनों भाई बन गए, भतीजा बन गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस, आपने अपने बनोई अरुण भारती को दिया। तो बड़ा ही लेवर्ड जवाब उनको देना पड़ा, बहुत ही मुश्किल से उन्होंने कहा कि और कुछ मतलब वो अपने जस्टिफाई किया कि देखिए ये ऐसा सीट था जिसको मैं दो पर रिप्रेजेंट कर चुका हूं, और ऐसा नहीं कि कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जिसको कि मैं नहीं दे सकता था, काफी मैं और उन पर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को चाह रहा था कि जो मेरी तरह ओन करे। तो फर्स्ट ऑफर वाज टू हिज सिस्टर, जो इनसे बड़ी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सिस्टर को ऑफर दिया। सिस्टर ने जब कहा कि नहीं मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा, तो फिर वो अपने भानोई से पूछा, वो कीन थे वो पॉलिटिकली मतलब उनको लगा, तो उन्होंने कहा कि ये सोच समझ के मैं जानता हूं मेरा क्रिटिसिज्म होगा,
कि डायनास्टिक सक्सेशन को प्रमोट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, कहा कि ये प्रश्न मैंने एक रिस्क लिया है, अगर जनता उनको स्वीकार करेगी तो करेगी, अगर उनमें बात नहीं होगी तो नकार देगी, लेकिन मैंने ये जान बूझ करके एक लाइन और एड किया कि जस्ट बिकॉज कि वो मेरे बहनोई हैं और डिजर्विंग हैं, वो इंटरेस्टेड हैं और लगता है वो कर सकते, तो उनको मौका नहीं मिले तो ये भी बात नहीं होगी, ये कहा। और दूसरा मैंने पूछा उनको, परिवार की आप बात कर रहे हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि प्रिंस को आप एकोमोडेट कर सकते हैं समस्तीपुर से, बोला नहीं एकदम नहीं, कोई संपर्क में हमसे नहीं है, जो भी ये बात अगर चला रहा है कहीं से ये गलत है। तो एक को रूल आउट किया और एक को जस्टिफाई किया। अब मुझे लगता है कि शेष तीन सीट पर तो नहीं लड़ेंगे, और मैंने उनको माँ के बारे में भी इस बार नहीं पहले पूछा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि अब माँ लड़ सकती है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि माँ लड़े हाजीपुर से, बट सी इज नॉट विलिंग, तो माँ नहीं है, तो कहा कि भाई माँ नहीं लड़ेगी तब मैं हाजी उस केस में मैं हाजीपुर लड़ूंगा, जो कि उन्होंने अपना कैंडिडेचर और अरुण का दो का डिक्लेयर कर दिया है, तीन का मुझे लगता है आज कल में कर देंगे जी। तो अब बताइए सीट शेयरिंग पे कहां पेच फंसा इंडिया ब्लॉक, कमाल हो गया कि मुझे लगता है कि अभी तक तो 15 लोगों को सिंबल मिल गया होगा तकरीबन, मतलब मोस्टली फ्रॉम आरजेडी 12 से 15 के बीच में 10 वो चल ही रहा है, फर्स्ट फेज वाला तो क्लियर ही हो गया, लोगों को मिल गया सीट, मामला फंसा हुआ था इन लोगों का मेनली पूर्णिया वाले को लेकर के पप्पू यादव के कारण में फंसा हुआ था। अब देखिए इनको महाराजगंज दे दिया गया, चर्चा थी सुपौल देने की, महाराजगंज दे दिया, महाराजगंज कभी लड़ा ही नहीं है इन्होंने, तो इसी तरह से चुन चुन कर इन्होंने ये दिखाते हैं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बोला था कि कांग्रेस के सीट पर ही पूछते हैं लालू जी कि पालमांग दिखाओ कौन लड़ेगा आपका, एक पेट लाइन है उनका, भाई तुम लड़ाओगे, तुम सीट ले रहे हो, किसको लड़ा रहे हो, सब पूछते हैं। अब चर्चा है कि जिसे भागलपुर में चर्चा है, भागलपुर में चर्चा है अजीत शर्मा लड़ेंगे कांग्रेस के, तो एक एक सीट पर पूछते हैं, तो उनके कांग्रेस का जो आप लिस्ट देखिएगा, औरंगाबाद नहीं दिया, निखिल कुमार चाह रहे थे, अब चूंकि सासाराम दिया है, लेकिन सासाराम मीरा कुमार ने घोषित कर दिया नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि उनके बेटे को पटना साहिब से टिकट मिल जाए, तो ये सारी बातें चल रही, लेकिन कांग्रेस को दो चार जो सीटें चाहिए थी अपने लिए वो नहीं मिली, लेकिन मेन जो पेज फंसा हुआ था वो पप्पू के कारण मुझे लगता है कि एक सप्ताह का डिले हुआ, इसके पहले अदरवाइज हो जाता। मेनली अगर आप पूछिएगा स्पेसिफिकली, ये पेज पप्पू के कारण फंसा हुआ था। अच्छा, और एनडीए में सब कुछ स्मूथ था सीटों को लेके, या वहां पे भी कुछ रस्साकसी चली? नहीं, मुझे नहीं लगता एनडीए में कोई दिक्कत था, जो कौन सा स्वैप करना है, जैसे कि आप तीन चार जो लोगों को नहीं देना था नहीं दिया बीजेपी ने, और जेडीयू ने भी तकरीबन मतलब अपने सिटिंग वाले को रिपीट ही किया, जिसे शिवर से वो आई और लोग चले गए, तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में कोई, क्योंकि ये दोनों विनिंग भाई 39 सीट जीते हुए, तो जनरली सीटिंग लोगों को देना था, किनको नहीं देना है सीटिंग में डिनाई करना है ये देना था, तो दोनों पार्टियों ने कोई हमको लगता है रिस्क नहीं लिया। एक ही चीज यही हुआ कि भाई कुशवाहा को इच्छा थी कि कम से कम को दो सीट मिले, लेकिन वो स्पेस कहाँ है, सम्राट चौधरी बीजेपी का कुशवाहा नेता है, नीतीश कुमार लव कुश समीकरण के आ गए, तो उनके लिए स्पेस क्या बनता है, काराकाट, तो उनको कंपनसेशन में एक एमएलसी ऑफर किया गया है कि आपको एक एमएलसी वाला बचा हुआ है वो आपको दिया जाएगा, तो वो मान गए हैं, तो इतना ही था। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में ज्यादा कुछ नहीं, कुछ हार्ड वर्न्स हुए, कुछ लोगों को उम्मीद थी मुकेश सहनी को कहां एडजस्ट करेगा, और वो जी मुकेश सहनी को कहां एडजस्ट किया जाएगा इंडिया ब्लॉक में, देखिए अब राजद कहां कर सकती है, उन्हीं के पास तो सीट है, कन्हैया जी बताएंगे इनके पास जानकारी रहता है अंदर का, अब उनके पास और कोई रास्ता तो बचता नहीं, एनडीए तो लास्ट लाख तक उन्होंने ट्राई किया, उनकी शर्त ये थी कि भाई कुशवाहा को आप बाद में आएंगे तो उनको कोटा देंगे, सॉरी निषाद को आप अनाउंस कर दीजिए, वो एक एक जनता को बताने के लिए हम बोल सके एक शर्त रखी थी, तो ये ना बीजेपी ने नहीं माना, अब पता नहीं इसी शर्त के साथ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कोई शर्त रखेंगे, कहीं ना कहीं तो लड़ेंगे, आप बसता क्या है, इलिमिनेशन से उनको उपाय बसता है, आरजेडी अकोमोडेट कर सकती है। कन्हैया जी जोड़ेंगे कुछ इसमें, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार राजद ने 16 लोगों को सिंबल दे दिया है, लाल मतलब पीला लिफाफा दे दिया है, उसमें आपको गया सरजीत कुमार नवादा, श्रवण कुशवाहा जहानाबाद, सुरेंद्र यादव औरंगाबाद, अभय कुशवाहा बक्सर, सुधाकर सिंह पाटलिपुत्र, मीसा भारती मुंगेर, अनीता देवी जमुई, अर्चना रविदास, बांका जयप्रकाश यादव, और वाल्मीकि नगर में एक इंफॉर्मेशन है ये मैं बता रहा हूँ, दीपक यादव जो डीपी यादव के दामाद है, डीपी यादव उत्तर प्रदेश वाले जो
बाहुबली जी, उनके दामाद हैं जो बगहा में मिल चलाते हैं शुगर मिल उनका, क्योंकि इनको मिल गया है। सारण में रोहिणी आचार्य हो गया, और जियारपुर में आलोक कुमार मेहता, दरभंगा ललित यादव, मधुबनी अली अशरफ फातमी, मधेपुरा शांतनु बुंदेला और पूर्णिया बीमा, इतने लोगों को मिल गया है। और पांच जो इनके सरज सरज जी के पुत्र हुए, पुत्र के हाँ अच्छा। तो इतने लोगों मतलब 21 लोगों को 40 में जो महागठबंधन है या टूटल फूटल जो इंडिया है, इंडिया हमको टूटल फूटल इंडिया कहते हैं, टूट फूट गया है, उसके 21 लोगों को अभी तक मिल गया है। सहनी जी के बारे में मेरे पास जो जानकारी है कि सहनी जी 3 सीट मांग रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हम तारा के 5 सीट दे दे ताकि लालटेन पर लड़े के पड़ी। मैंने आपके 5 आदमी को मैं लड़ा दूंगा लेकिन सिंबल लालटेन होगा, उस पर तैयार नहीं है। तब कहेंगे तब आप एक मुजफ्फरपुर का सीट लेकर के लड़िए, बाद में आपको हम एक को मिल सकते। हमारे पास जी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि गलत ही इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि बड़ा आपका चैनल देखते हैं तो मुकेश सहनी फोन करने लगेंगे कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है यही जानकारी। चलिए आज के सत्र में आप दोनों ने बहुत जानकारियां दी, बिहार पर चर्चा यहीं रोकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सत्र की तरफ। अब बात करते हैं राजस्थान की। सीटें 25 हैं, 2009 में चुनाव हुए तो 20 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 4 पर भाजपा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जीते थे निर्दलीय। लेकिन 5 बरस में तस्वीर बदल गई थी और 25-0 से भाजपा के पक्ष में जनादेश आया था, और 2019 में भी 14 के 5 साल बाद यही परिणाम रहा था। लेकिन 2024 में भी क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी, या कुछ जगहों पर टिकट वितरण के चलते उनके सामने मुसीबत सामने आ पड़ी है। जब हम उन कुछ जगहों का नाम देखते हैं तो सबसे पहला नाम सामने आता है चुरू से, जहां पर राजेंद्र राठौड़ की शिकायत पर कस्बा परिवार के वर्चस्व को खत्म करते हुए राहुल कस्बा का टिकट काट दिया गया। नाराज रहे, कुछ क्रिप्टिक ट्वीट किए, फिर सभा की और उसके बाद कांग्रेस में चले गए और अब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो जिस एक सीट पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा अपने आप को मजबूती से लड़ता पा रही है वो चुरू की सीट है। हालांकि समर्थक कहते हैं कि शीश राम ओला और फिर उनके बेटे ब्रिजेंद्र ओला की सीट झुंझुनू, यहाँ पर भी मुकाबला तगड़ा हो सकता है। सूची में नागौर का नाम भी गिना दिया जाता है, जहाँ पर हनुराम हनुमान बेनीवाल हैं जो पिछली बार NDA में थे, इस बार इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने कहा तो क्या कांग्रेस के जाट नेताओं की नहीं चलेगी, गोविंद सिंह डोटासरा का क्या, दिव्या मदेरणा का क्या जो रीलों में अपने आप को शेरनी बताती हैं, बाड़मेर के हरीश चौधरी का क्या, एक लंबी फेरिस्त है इन नामों की। इन सब से उलट बात ये चल रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े। अशोक गहलोत की पूरी लामबंदी अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए, जो पिछली बार यानी 2019 में गजेंद्र के सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर से खेत रहे थे और इस बार बगल की जालौर सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। मामला बाड़मेर का भी दिलचस्प है, जहां पर युवा छात्र नेता और शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने पर्चा भर दिया है, और पर्चा भरने की तमाम वजहों में एक वजह बताई जा रही है हैंडपम्प। आपने सही सुना है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि उदयपुर के राज परिवार में किसको वाया दिया कुमारी सबसे ज्यादा मान मिल रहा है, कि पार्टी के एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत को किनारे करते हुए पहले तो राज परिवार से आने वाले व्यक्ति को विधायकी दी गई और अब उनकी पत्नी को वहीं से सांसदी भी लड़वाई जा रही है। कांग्रेस के घर में भी झगड़ा भारी है, 2 टिकट रद्द हो गए हैं जयपुर से। जयपुर डायलॉग ये एक अल्ट्रा राइट विंग समर्थकों की नज़र में, विरोधियों की नज़र में इस्लामोफोबिक और कांग्रेस फोबिक यूट्यूब चैनल है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे उसके डायरेक्टर रहे सुनील शर्मा को कांग्रेस से टिकट मिला था, वो टिकट काट दिया गया है। और राजसमंद से जिन रावत को टिकट दिया गया था, सुदर्शन रावत को, उन्होंने खुद ही अनिच्छा जाहिर कर दी और कहा कि मैं कारोबार के सिलसिले में बाहर रहने वाला हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं गया और एक नेता ने मुझको सेट कर दिया। तो दोनों पार्टियों की कहानी है। कहानी जयपुर में ये भी आम है कि भजन लाल शर्मा और दिया कुमारी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई रोज नए उद्धरण पा रही है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार कॉलमिस्ट और भारत के चुनाव, राजस्थान के चुनाव और अमेरिका के चुनाव पर अपनी टिप्पणियों के लिए, अपने लेखन के लिए विख्यात अविनाश कल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सौरभ। सबसे पहले बाड़मेर का रुख करते हैं। कैलाश चौधरी, विरोध बहुत था,
उन्होंने विरोध प्रियंका चौधरी का किया, वो जीत गई विधायकी। उन्होंने विरोध रविंदर भाटी का किया, वो जीत गए विधायकी। उनके टिकट पर संकट भारी था, लेकिन टिकट उनका रिपीट हो गया है। उम्मेदाराम पहुंच गए हैं कांग्रेस में, उनका टिकट हो गया है, और रविंदर भाटी का टिकट। ये कहानी क्या है बाड़मेर के स्तर पर? और रविंदर भाटी की, जैसे चंद्रमान आक्या या दूसरे निर्दलीय विधायकों की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ, इनकी भी हुई थी, फिर कुछ तय क्यों नहीं हो पाया, ये बताइए क्या चर्चा है? देखिए, बाड़मेर सबसे चर्चित सीट्स में से एक सीट है, और आपने हैंडपम्प का जिक्र किया, तो हैंडपम्प भी उसमें एक अहम किरदार है। पर सीट कहाँ फंसती है? अगर सीट की बात करें सौरभ, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो राजस्थान का कास्ट डिवाइड है वो हमेशा दिखता है, जाट वर्सेस राजपूत। और आप ज़रा आंकड़े देखिए, अगर आंकड़े मोटे तौर पे देखे जाएँ तो 19% के करीब यहाँ जाट वोटर्स हैं, 13-14% राजपूत वोटर है, और करीब करीब 9% वोट जो है वो मुस्लिम है। तो कैलाश चौधरी जो हैं वो उतने पॉपुलर नहीं है, वो उतना कुछ डिलीवर नहीं कर पाए सीट पे, उनका काफ़ी विरोध था जो आपने कहा। तो रविंद्र सिंह भाटी ये वेट कर रहे थे कि अगर कांग्रेस किसी जाट को देती है तो एक ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है जिसमें उनका चांस बनता है, और आंकड़े कुछ वैसे ही हैं। तो जैसे ही बीजेपी ने इनको अनाउंस किया और कांग्रेस की तरफ से भी जाट उम्मीदवार आया जो RLP छोड़ के कांग्रेस में आया है, तो उन्होंने देखा कि ये उनके लिए एक अच्छी पोजिशनिंग की सीट है, और वो यहाँ पे चूंकि उनकी अभी हवा चल रही है निकाल सकते हैं। अब प्रमुख कारण क्या रहे कि उन्हें आना पड़ा? बीजेपी से उन्होंने पहले कोशिश की थी, रविंद्र की अगर हम बात करें तो वो 7 दिन ही भाजपा में रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनको अंदर लिया गया तो बात चल रही थी कि शायद शिव से नहीं तो जोधपुर से उनको टिकट दे दी जाएगी, और उन्हें इसी आश्वासन के लिए लाया गया था। पर जब सीट नहीं मिली तो वो वहाँ से रिबेल कर गए, और रिबेल किया, सीट जीती। तो 4 एंगल फाइट में वो शिव जीते, इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास एक मोमेंट है, वो जीत जाएंगे। आपने बात करी चंद्रमान सिंह आक्या से मुख्यमंत्री मिले, माला पहनी बार आए, बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह में नहीं बन रही थी, दोनों ही भाजपा के नेता, उनके बीच में भी सुलह कराई। पर चर्चाओं में ये है कि जब रविंद्र सिंह से मुख्यमंत्री मिले तो उन्हें लगा फर्स्ट टाइम विधायक है, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि आप पार्टी को मजबूत करो। तो जिस पर रविंद्र सिंह ने कहा कि देखिए, मैं निर्दलीय जीता हूँ, मेरी प्राथमिकता शिव है, आप ये बताइए शिव में क्या आ सकता है। तो शिव के बारे में उन्होंने कोई कमिट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि आप इस पर सोचिए, विचार करिए, फैसला करिए। और उसके बाद ये आता है किस्सा कि अगले ही दिन भाजपा से जो प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह, वो ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट की गई 20 हैंडपंप तो पास हो गई है, रविंद्र सिंह ने जो रिक्वेस्ट की थी उसकी जगह उन्हें 2 ही दी गई। तो एक ये बेरुखी सी दिखाती है कि सरकार सबको फॉर ग्रांटेड। स्वरूप सिंह ने ये भी लिखा कि जो विधायक है उनसे ऊपर भारी मैं पड़ रहा हूँ, तो देख लो कौन भारी है। तो ये वो वर्चस्व वाली बात आ गई, ईगो पे आ गई, तो ऐसे में भाजपा की बात बनती नहीं दिखी। और एक और सुनने में आ रहा है कि जब रविंद्र भाटी मिले मुख्यमंत्री से, उसके अगले ही दिन दोनों जोधपुर पहुंचे, और अचानक से मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब किया और अपने साथ चार्टर प्लेन में ले गए। अब इसमें क्या बात हुई ये तो नहीं पता, पर सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री खुद उनको कोई कन्विंसिंग प्रपोजिशन नहीं दे पाए, वो बातों के इर्द गिर्द जा रहे थे, और उन्होंने कोई ऊपर आला नेता से भी बात करा दे उस स्थिति में नहीं थे। तो इस असमंजस को देख के इस युवा नेता को लगा कि मैं क्यों ना अपने एरिया में अपने आप को कंसोलिडेट करूं, और अभी जिस तरह से बाड़मेर पॉइज्ड है, जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये एक ट्रायंगुलर फाइट है, चुनाव में अभी करीब करीब 1 महीना है, पर किस तरफ बाजी पलटेगी ये देखना ज़रूरी रहेगा। लोकल्स में जो अभी सुन रहे हैं वो ये कहते हैं कि फिलहाल मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और रविंद्र सिंह के बीच में है, कैलाश चौधरी तो कहीं दिख भी नहीं रहे। और एक और बात सौरभ, कैलाश के समर्थन में भाषण देते वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, ये कैलाश नहीं दिख रहे मुझे, ये इनमें मुझे काशी नज़र आता है। और उन्होंने कहा, आपका एक एक वोट आपने जो हमें दिया, भाजपा को दिया, उससे आपको राम मंदिर दिखा, तो आगे अब काशी का मंदिर दिख रहा है अगर आप कैलाश को जिताएंगे। तो बीजेपी के पास भी उधर कोई गेम प्लान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने 3-4 कोर एजेंडाज पे ही वोट मांग रही है। तो इसको लेके कैलाश जो है वो एक बैकफुट पे है। एक बात और, सोर्स बताते हैं जैसे ही उनकी सीट अनाउंस हुई, पहले दिन में उन्होंने रविंद्र को खुद साधने की कोशिश की और 3-4 फोन कॉल्स किए। उस वक्त रविंद्र देश के बाहर थे,
उनकी बात नहीं हो पाई, पर पहले दिन से क्या वो लंदन घूम रहे थे? जी वो लंदन घूम रहे थे, तो उसी दिन उनके फोन्स आए और पर उन दोनों में बात नहीं हुई। तो कैलाश को खुद पहले दिन से पता था अगर ये खड़े होते तो मेरी सीट मुश्किल में फंसेगी। अच्छा, ये जयपुर और राजसमंद की क्या मुश्किल है कांग्रेस के लिए कि शशि थरूर को ट्वीट करना पड़ रहा है सुनील शर्मा के टिकट पर और फिर वो टिकट रद्द होता है, कहा जाता है खुद ही वापस कर दिया, उनके समर्थक कहते हैं एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा चलाया गया उनके खिलाफ, क्या है ये मामला? देखिए, आपने जो कांग्रेस की बात कही, अभी हमने जो राजस्थान में बात कही या जितनी भी हवा चल रही है उसमें कांग्रेस खुद कुछ नहीं कर रही, जितने इंपोर्टेड लोग हैं उन्हीं के नाम पे हवा है। आपने पहला नाम लिया चूरू, तो वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, वो इंपोर्टेड है बीजेपी जी, उस पे आएंगे विस्तार से वहां। तो अभी तक जो है कांग्रेस बिल्कुल डिसएरे में है। वो जयपुर राजसमंद का क्या प्रसंग है? जयपुर से शुरू करते हैं। अब ये भी क्लियर नहीं था कि सुनील उसमें रेस में थे या नहीं। सुनील एक पीसीसी कार्यकर्ता है, लंबे समय से काम करते हैं, एंड व्हेन यू टॉक टू हिम ही इज हिमसेल्फ वेरी कंपोज्ड और एक काफ़ी बैलेंस्ड बातचीत करते हैं। पर वो जयपुर डायलॉग्स जो फोरम है उससे जुड़े हुए थे और उस पर बहुत सारी जो हेट मॉन्गरिंग या जो कांग्रेस पार्टी के विरोध की बातें चल रही थी, पर किसी ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अंदर खाने तो खबरें ये भी चल रही थी कि बिकॉज ही इज अ वेल टू डू बिजनेसमैन, ही रन्स ए यूनिवर्सिटी, तो उनके पास ही इतने फंड्स थे कि वो चुनाव लड़ लें, तो इस करके उनको आगे लाया गया। कांग्रेस के जो भी विधायक जयपुर से जीत के आए उन्होंने यूनैनिमसली इनको आगे कर दिया, तो और किसी ने देखा नहीं। और जैसे ही आए सोशल मीडिया पे इनकी जो जयपुर डायलॉग्स वाली एसोसिएशन है वो उजागर हो गई और तब से एक कैंपेन छिड़ गया, तो इनको बैकफुट पे आना पड़ा। इन्होंने कांग्रेस चंद्रपान जब डॉक्टर चंद्रपान अध्यक्ष थे तब से ये कांग्रेस में है, इनकी फैमिली उस तरफ थी, लेकिन ये एक एसोसिएशन उन पर भारी पड़ गया। एक और बात है जो किसी ने ज़्यादा नहीं देखी, सुनील शर्मा के जो समधी हैं वो आरएसएस के टॉप राजस्थान की ब्रास में आते हैं, तो वो भी उनका एक कनेक्शन था जो भी धीरे धीरे बाहर आया। तो इससे साफ पता पड़ता है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था या कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, और उनको हटा के जिसे दी तो प्रताप सिंह ने तो खुद ही बाहर आके कह दिया कि मुझसे तो कंसल्ट भी नहीं किया गया, पार्टी ने आगे किया है तो मैं लड़ूंगा। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी बटी हुई है। कांग्रेस के पास जो पिछली बार लड़ी थी ज्योति खंडेलवाल वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, पर वो बीजेपी में जा चुकी है, तो कांग्रेस के पास लीडरशिप में अभी कोई लोग है नहीं जयपुर जो आए। और राजसमंद की बात जो आपने कही, जो रावत साहब ने लिखा चिट्ठी में, उसमें एक बात और है, कह रहे हैं एक बड़े नेता मेवाड़ से आ रहे हैं, या उनकी कहते हैं कि उनके पिता से बात हो गई थी और उनके पिता ने अश्योर कर दिया था, जबकि रावत खुद बाहर ट्रैवल कर रहे थे, वो रीचेबल भी नहीं थे। उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी, लेकिन चूंकि उनके पिता से बात हो गई थी वहाँ के स्थानीय नेताओं की, कहते उन्होंने हरी झंडी दी, और चूंकि कांग्रेस की तो परिपाटी भी कुछ इसी तरह की कि क्षेत्र में नेता बड़ा होता है, उस क्षेत्र की जिम्मेदारी उस नेता को दे दी और वहाँ से जो फीडबैक आया वो ठीक है। तो अब फायर फाइटिंग मोड चल रहा है कि वहाँ पे किसको भेजा जाए, कह रहे भीलवाड़ा के नॉमिनी को राजसमंद भेज देंगे, वहाँ से सीपी जोशी लड़ाएंगे। ये बताइए जी, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, किसी ने कहा चल तो अभी भी अशोक गहलोत की रही है, फिर किसी ने कहा कि अशोक गहलोत की अभी इकलौती और पूरी चिंता जालौर है, और जालौर में चुनाव लड़ने के लिए और संसाधन जुटाने के लिए वो जालौर से बंगलौर भी चले गए। हाँ, क्या सत्यता है, क्या चर्चा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत अभी भी एक डोमिनेटिंग हैंड है राजस्थान कांग्रेस में। और डोटासरा ने उनसे सलाह कर ली है। डोटासरा ने एक चीज़ करी है कि वो उनको हमेशा, जो उनकी पार्टी के लोग बताते हैं, लूप में रखते हैं, तो बिल्कुल उनको साथ लेके आगे चल रहे हैं, ताकि आगे चल के सचिन पायलट वर्सेस डोटासरा हो तो उनके पास थासु दूर नहीं आ जाए। हाँ, और बिल्कुल मैं थासु दूर नहीं वाली बात है। तो आपने अभी कहा कि अशोक गहलोत की चल रही, उनका फोकस ज़रूर वहाँ पे है, और जो हम अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, हनुमान बेनीवाल की एंट्री भी अशोक गहलोत के बिना नहीं हो पाती। चूरू और ये बात सही है कि कांग्रेस के जो बड़े जाट नेता थे वो इस अलायंस के खिलाफ थे, बिल्कुल थे, इंक्लूडिंग डोटासरा, बिल्कुल सारे लोग ही खिलाफ थे किसी से। हनुमान बेनीवाल ने, आप उनके पुराने वक्तव्य भी देख लीजिए,
किसी की भी किसी को नहीं बख्शा हनुमान बेनीवाल ने अपने बयानों में, पर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी और उनका अपने एरिया में क्लाउट है। अभी हम कांग्रेस की बात क्यों ना करें, पिछले चुनाव में बीजेपी ऑल गन्स ब्लेजिंग थी, सारी सीटें जीत रही थी, लेकिन नागौर उन्होंने छोड़ी हनुमान बेनीवाल के लिए। तो उनका आंकड़ा विधानसभा में ज़रूर कम हुआ है, लेकिन उनकी वो जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका बेस है, वो इंटैक्ट है। और कांग्रेस को लगता है कि अगर उनके पास कोई आउटसाइड चांस भी है नागौर में, तो सिर्फ वो हनुमान बेनीवाल को आगे करके है। तो हनुमान बेनीवाल ने तो लाइक इट और नॉट ये एस्टैब्लिश किया ही है कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जाट नेता हैं अभी राजस्थान में। पर इसके अलावा ये जो चुरू का कैंडिडेट जो कांग्रेस में आया, चाहे राहुल कसवा हो, राहुल अच्छा याद दिलाया, उस पर ही बात करेंगे। द क्यूरियस केस ऑफ कोटा, द क्यूरियस केस ऑफ कोटा, बिल्कुल शांति, ओम बिड़ला और शांति धारीवाल की दोस्ती, एक भाजपा में एक कांग्रेस में, फिर शांति धारीवाल वर्सेस प्रहलाद गुंजल, फिर प्रहलाद गुंजल वर्सेस ओम बिड़ला, प्रहलाद गुंजल अब कांग्रेस में आ गए, ओम बिड़ला को चुनौती दे रहे हैं, इससे शांति धारीवाल खुश नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है कोटा। और अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे करीब एक डेढ़ घंटे पहले से ही एक ट्विटर पे वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है, जहां शांति धारीवाल अब प्रहलाद गुंजल को आड़े हाथों ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि अब आप एक सेक्युलर पार्टी में आ गए हैं, तो आपको अपने पुराने जो थॉट प्रोसेस था उसको छोड़ना पड़ेगा, और अब आप ये बताइए आपने कुछ महीने पहले जो मुझ पर आरोप लगाए थे उनका क्या जवाब, विधानसभा चुनाव लड़ते समय। बिल्कुल, तो शांति धारीवाल को नहीं लिया गया था कॉन्फिडेंस में प्रहलाद गुंजल को शामिल कराते समय, किसका नहीं? अंदर खाने कांग्रेस के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि जब ये मूव बन रहा था तो शांति धारीवाल को रीच आउट किया गया था, तो उन्होंने कहा मैं इसकी ज्वाइनिंग में नहीं आऊंगा, बाकी अगर पार्टी के फेवर में है तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, शांति धारीवाल से बाकायदा बात की गई थी, उन्होंने कहा मैं किस चैनल से बात हुई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वो चैनल है जिसमें जयपुर में कुछ कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग होती है, बात अशोक गहलोत तक पहुंचाई जाती है, फिर बात वसुंधरा राजे सिंधिया तक पहुंचाई जाती है, और फिर बात प्रहलाद गुंजल तक जाती है, एक इस रूट की बात हो रही है, ये चर्चा आपने सुनी है? ये बिल्कुल, अगर आपने ये चर्चा नहीं सुनी है तो फिर आप राजनीतिक हलकों की बातें बिल्कुल नहीं सुन रहे जी। तो ये चर्चा बिल्कुल बहुत जोर से है, लेकिन जहाँ तक शांति धारीवाल की बात है, कांग्रेस के जो सोर्सेज है, जो मेरे सूत्र है, वो बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने खुद उनसे बात करी थी कि अगर हम इनको ले रहे हैं आप आएंगे या नहीं आएंगे जी। तो उनको कहते हैं कि ये उन्होंने कहा था कि मैं इनकी ज्वाइनिंग में नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, लेकिन अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। तो उन्होंने एक उस वक्त एक स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस बना लिया था, और कुछ दिन पहले प्रहलाद गुंजल उनसे मिलने उनके घर भी गए थे, पर वो सिर्फ फोटो जारी हुई थी, लेकिन जैसे ही वीडियो आया तो जो बात अंदर खाने होनी चाहिए थी वो सबके सामने आ गई। और इसी से दिखता है कि कांग्रेस अगर जो भी कोई मोमेंटम बनाना चाहती है, उनके खुद के ही लोग जो हैं वो उसे वहीं पे क्वैश कर देते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि शांति धारीवाल और ओम बिड़ला की दोस्ती कितनी पक्की है जी। बिल्कुल, पार्टी अलग अलग, शांति धारीवाल ये नहीं मान रहे कि कोटा में उनका कोटा पूरा हो गया है, अब वो प्रहलाद को गूंजने ही नहीं दे रहे, पहले दिन उन्होंने शांत करा दिया उसे। वाह, लेकिन सबसे दिलचस्प जो मैंने शुरू में कहा, चुरू की लड़ाई है, द ग्रैंड बैटल ऑफ चुरू, द ग्रैंड बैटल ऑफ, बताइए राजेंद्र राठौड़ बनाम कसवा परिवार क्या है, क्योंकि मेरे सामने राहुल कसवा का एक बयान है, आ जाओ काका जी, आ जाओ आमने सामने लड़ेंगे चुनाव इस बार, आओ और पब्लिक को बताओ कि 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो चिढ़ते हो, किस बात की नफरत पैदा कर ली आपने मन में, पब्लिक को बता दीजिए कि आपने कितने नेताओं खत्म करने काम किया, नहीं तो हमारे पास पूरा चिट्ठा है, ये कह रहे हैं राहुल कसवा जी। राजेंद्र राठौड़ क्या कह रहे हैं, मेरे समाज के लिए राहुल कसवा गाली की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मेरे में टिकट कटवाने की क्षमता होती तो मैं राजसमंद से मेरे लिए ही टिकट ले आता। ये देखिए, ये इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, और आप चुरू की सीट देखिए, 6 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है, 2 बार राहुल कसवा, और इनसे पहले इनके पिता राम सिंह कसवा। ये 2009 में जब बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीती थी, जिसमें एक वसुंधरा के बेटे दुष्यंत की सीट थी, एक चुरू की सीट थी, एक बीकानेर की सीट थी, बीकानेर की सीट थी, और एक सीट और जीते थे वो। तो जो हम बात कर रहे हैं जी, आपके राजेंद्र सिंह राठौड़ भी 7 बार से चुरू के विधायक रहे हैं। तो पहले जो फोकलोर है, आप चुरू जाइए, मैं भी गया, तो उन्होंने कहा इन दोनों में जितनी अच्छी बनती थी वो एक मिसाल दी जाती थी कि भाई हमारे यहाँ जाट वर्सेस राजपूत होता है। तो उससे पहले तक का आलम ये था, अब ये 15 साल वाला बयान तो कसवा जी या
राजेंद्र जी बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि राजपूत वोट जो भी है वो राजेंद्र राठौड़ कसवा जी को दिलाते हैं और कसवा जी जाट वोट और सपोर्ट देते हैं जिससे वो चुरू की सीट जीतते हैं। इस बार इन दोनों में शुरुआत से ही कुछ बन नहीं रही थी और यही वो कारण था कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी 6 बार की जीती हुई सीट चुरू छोड़ी और तारानगर गए जहां वो एक बार विधायक रह चुके थे, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, ये पहले से ही टेंशन जाहिर थी। और राहुल कसवा जो हैं वो एक मुखर वसुंधरा राजे सपोर्टर भी रहे हैं, जब वसुंधरा राजे ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशंस करी तब भी वो मुखर थे, वो हमेशा कहते थे कि हमारी बड़ी नेता हैं मुख्यमंत्री, इन्हें बनाया जाना चाहिए। फिर जब राजेंद्र राठौड़ का चुनाव हुआ तो खबर थी कि राहुल कसवा उन्हें पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनको वो सीट, परिणाम सबके सामने है। तो तब से अब एक भाषण में राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भी थे, वो हारने के बाद जब तारानगर गए तो उन्होंने जयचंद कहके इशारों में बात की, नाम नहीं ली। तो विधानसभा की हार के बाद तो इशारों में बात हो रही थी, लेकिन अब ये खुले तौर पे सामने आ गया है कि ये चुनाव राहुल कसवा वर्सेज झांझड़िया नहीं रह गया, ये चुनाव राहुल कसवा वर्सेज राजेंद्र सिंह राठौड़ हो गया है। तो ये वहाँ की डायनेमिक्स है, एक ज़माने में दोनों साथ थे, एक दूसरे के बहुत करीबी रहे, फिर कुछ तो अब ये बयान, अब ये मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले का ही बयान होगा। जरा करीबी बताइए ना, क्योंकि जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि इन दोनों के करीबियों के चक्कर में एक और जाट नेता सतीश पुनिया को चुरू छोड़ना पड़ा था बहुत साल पहले। बिल्कुल, ये दोनों की घनिष्ठता थी और अंदर खाने ये भी चर्चा है कि वो भी चुरू के ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, वो भी चुरू के रहने वाले हैं, वो राजगढ़ है उधर, वहां से आते हैं। अभी हरियाणा के प्रभारी हो गए थे। नाम भी खूब चला अजमेर लोकसभा से। विधानसभा के दौरान भी एक बात थी कि चूंकि वो चूरू से आते हैं, क्या वो अपनी सीट बदल के उधर जाना चाहेंगे, तो कहते उन्होंने अपने करीबियों से कहा कि एक सीट जो मैं उस वक्त छोड़ के आया था वहां मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, तो इस चक्कर से वो वापस। और ये बात अब उन्होंने जयपुर ग्रामीण के लिए भी कह दी है, जयपुर ग्रामीण के लिए जो उनकी सीट थी, आमेर के लिए उन्होंने वो कह दी। बिल्कुल, और वो जो चौथे सांसद थे वो देवजी पटेल थे, जालौर वाले, जालौर के देवजी पटेल, जहां से अब वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उस सीट पे भी हम आएंगे, वो भी बहुत रोचक सीट है। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, ये पहले एक जमाने में वहां पे राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ के लिए लोग, स्थानीय लोगों से बात करो, उन्हें जय वीरू की जोड़ी कहते थे। अच्छा, पर अब एक गब्बर हो गया और एक ठाकुर हो गया, कुछ तो ये राजस्थान में जो हम देखते हैं तो हमें डोमिनेंस की 4 फाइट दिखती हैं। जी बताइए सही है कि गलत है। जी, गुजर वर्सेस मीणा, जी राजपूत वर्सेस जाट, ये पश्चिमी राजस्थान की ज्यादातर है, जो आपने बोली वो ईस्ट में होती है। जाट वर्सेस गुजर, ये भी है, हाँ इतनी डोमिनेंट नहीं है बट है, पर एक गुजर वर्सेस मीणा एक डोमिनेंस, ये तो बहुत डोमिनेंस, सवाई माधोपुर दौसा और ये वाला जो पूरा एरिया, इसका प्रभाव उस वक्त भी देखने को मिला था जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे जहां कांग्रेस जीती थी और ईस्टर्न राजस्थान स्वीप किया, क्योंकि उस वक्त वो गुजर मीणा और जाट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह बैठा कि कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया अंडर सचिन पायलट। तो उसमें मेन थे आपके ये मुरारी लाल मीणा और विश्वेंद्र सिंह जो जाट नेता हैं, भरतपुर वाले, और सापोतरा से एक विधायक थे कांग्रेस के मीणा, उनका नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ, वो भी साथ थे। तो ये सारी कॉम्बिनेशन साथ आई थी कि गुजर और मीणा एक साथ हो गए थे, वरना इनकी फाइट इतनी स्ट्रांग थी कि कर्नल बैसला जो चुनाव हारे 1300-1400 वोट से, उसमें तो गांव मार्क थे और वहां पोल वायलेंस में डेथ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। 2009 तो बाड़मेर में ऐसा होता है, जाट वर्सेस राजपूत वेस्टर्न राजस्थान में होता है जाट वर्सेस राजपूत होता ही। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत की बात में वो कैलाश चौधरी वर्सेस रविंद्र सिंह भाटी होगा, बिल्कुल कैलाश चौधरी वर्सेस उमेदाराम बेनीवाल, वो दोनों जाट है, तो जो 18-19% जाट वोट है वो डिवाइड हो जाएगा और 13% राजपूत वोट है, अगर वो कंसोलिडेट होता है जैसा हुआ था 2014 का चुनाव था जब जसवंत सिंह जी चुनाव हारे थे, जो उनका आखिरी चुनाव था इंडिपेंडेंट जब वो लड़े, तो ये रहा था वहां पे फैक्टर। हम लोग भरतपुर के राज परिवार की बात कर रहे थे, उदयपुर के राज परिवार का क्या हाल है? उदयपुर के लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ तैयारियों में जुटे थे, ना उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिला ना लोकसभा में। आप ही के ललन टॉप में आपने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या और उन्होंने पूरी तरह खंडन नहीं किया था। बिल्कुल, लेकिन दिया कुमारी पूरी तरह से उनके चाचा के पक्ष में है। जी, वहां ये सुनने में आता है कि ये जो दो राजघरानों का टकराव है, राजघरानों के दो क्लेमेंट्स का, राजघरानों के दो क्लेमेंट्स वर्सेस जो ट्रेडिशनल जयपुर मेवाड़ वर्सेस जयपुर वाली फाइट होती, वो भी हो ही रही है। जी,
तो अभी आप देखिए इन दोनों में बीच में जो इशारों में क्रिप्टिक ट्वीट्स भी हुए थे, तो लक्ष्मणराज सिंह ने भी महाराणा प्रताप को लेकर कुछ एक क्रिप्टिक ट्वीट किया था भजनलाल जी की बात में, तो उस पर फिर एक बात छिड़ गई थी कि मानसिंह वर्सेस महाराणा, तो ये फाइट चलती रहती है। तो विधानसभा चुनाव में भी बात लग रही थी, लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ ने मुझे लगता है सभी भाजपा के बड़े नेताओं से बात कर ली थी एंड ही वॉज अवेटिंग अ कॉल, लेकिन रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो ताया के लड़के हैं विश्वराज सिंह, जो कि पॉलिटिकल सीन में भी नहीं थे, उनको दिया कुमारी की बैकिंग से कहते हैं कि नाथद्वारा का टिकट मिला, उन्होंने सीपी जोशी को हराया। और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती कि वंशवाद नहीं एक परिवार से एक, लेकिन राज परिवारों से उनका जो आपने कहा लगाव अलग है, तो विश्वराज सिंह की धर्मपत्नी को ही टिकट दे दिया राजसमंद से जहां राजेंद्र राठौर जाना चाह रहे थे। तो बीजेपी अपने रूल्स खुद ही बना रही है और खुद ही एक्सेप्शंस दे रही है। तो वहां पे राजघरानों की अंदरूनी फाइट, और अब एक राजघराने का पक्ष जयपुर की तरफ जाता हुआ, ये वहां की लोकल सर्कल्स की सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा चर्चा बनती है कि लक्ष्मणराज सिंह का नंबर कब आएगा या वो राज परिवार का हिस्सा किस तरफ जाएगा, क्योंकि वो भजनलाल के करीब होते दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप देखिएगा जैसे ही भजनलाल मुख्यमंत्री बनते हैं या कुछ होते हैं, वो हल्दी घाटी की कुछ उनको सुवेनियर जैसा या कुछ लेके उनसे मिलने जाते हैं, उनसे बात करते ही इससे पहले कि लक्ष्मणराज ट्वीट करें, भजनलाल ट्वीट करते हैं कि आज उदयपुर राजघराने के लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात हुई। तो वो वहाँ नज़दीकी एक धड़े से बढ़ा रहे हैं या दिया कुमारी दूसरी तरफ बढ़ा रही है। अब बात चली है तो बताई दीजिए जी कि बजट के प्रस्तुतीकरण से लेके और उसके आगे पीछे तक दो तरह की बातें चल रही हैं, एक कि भजनलाल शर्मा वर्सेस दिया कुमारी वर्चस्व की लड़ाई, दिया कुमारी को लग रहा है कि अब वसुंधरा राजे के बाद वही हैं जो शीर्ष पद की दावेदार हैं, शी इज इन वेटिंग, मतलब साल दो साल चार साल पांच साल जितना भी हो। हाँ, ये तो पहली चीज। भजनलाल को लग रहा है कि संगठन के जरिए सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने एक नजीर कायम की, मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी कायम की, साढ़े नौ बरस तक वो भी रहे और मेरा तो अभी पहला ही बरस चल रहा है जी। दूसरी बात कही जा रही है कि अमूमन एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में टॉप लीडरशिप के जो गेटकीपर होते हैं वो पॉलिटिकल गेटकीपर होते हैं, कौन किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है, पर हम जब भी कहीं कोई नया नेता आता है तो एक बिल्कुल जुमला सा हो गया है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। कभी वो वसुंधरा के संदर्भ में इसलिए कहा जाता है कि उनको ज़्यादा फेथ है डिलीवरी पे, मैकेनिज्म पे, एफिशिएंसी पे, भजनलाल शर्मा के में कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी नए सिरे से हावी है, लेकिन जो राजस्थान के सबसे दक्ष ब्यूरोक्रेट बताए जा रहे हैं जो वापस डेप्यूटेशन से लौटे सुधांश पंत, उनको अभी उनका कितना रोल है कितना ज़्यादा, इन दो विषयों पर बताइए। देखिए पहली बात करते हैं, चूँकि एस्पिरेशन है, दिया कुमारी का बहुत नाम चल रहा था, ये कहा जाता था कि वो वसुंधरा राजे का काउंटर है फ्रॉम द दिल्ली साइड ऑफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी की पसंद है, उनको पूरा बैक किया जा रहा था, उनको संगठन में जगह दी गई थी, तो जब सतीश पूनिया थे तब भी वो संगठन में उनको एक अहम पद था, सीपी जोशी के साथ भी वो लगी रही, तो एक था कि उनका नाम आएगा, लेकिन जैसे ही भजनलाल का सरप्राइज एलिमेंट आया उस दिन से अभी तक अब अंदर खाने ये बात चलती रहती है कि सुप्रीमेसी किसकी और ज़्यादा कौन दिखे। तो एक बार तो मेरे ख्याल से गोविंद डोटासरा ने भी ये स्वाइप ली थी कि आजकल तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के काफ़ी लोग के लिए इतना रूट लग रहा है कि पूरा जाम हो गया ट्रैफिक, तो किसके रूट में कितना लगेगा लवाजमा वो भी इन दोनों के बीच में एक टसल है। और ये जो आपने किस्सा सुनाया तो ये किस्सा था जो वहाँ के गलियारों में सुनने को मिलता है कि जैसे ही कोई बड़ा इवेंट होता है दोनों दफ्तरों के जो पीआर ऑफिसर्स हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज अप हो जाते हैं कि कल अखबारों में सुर्खियों में हमारी पोजीशनिंग ज़्यादा बेटर रहे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहना था मेरी सरकार का पहला बजट है तो मेरी अथॉरिटी रहेगी, और कहते हैं कि वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कह रही थी कि मैंने पहला बजट पेश किया है मेरी डोमिनेंस ज़्यादा रहेगी। तो जो संपादक है उनके लिए बैलेंसिंग एक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, सरकार पता नहीं कैसे बनाएगी, संपादक ज़रूर देख रहे हैं कि हम किसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि एस्टैब्लिश नाम कोई भी नहीं है पर एक की बैकिंग बड़ी है ऐसा सुनने में आता है। अब बात आई, बात चली है ब्यूरोक्रेसी की, तो सुधांश पंत, राजस्थान के अंदर खाने हलकों में ये कहा जाता है कि फिलहाल सरकार अगर कोई चला रहा है तो मुख्य सचिव चला रहा है। कुछ लोग जो आंदोलन करते हैं या मुख्यमंत्री से मिलने भी जाते हैं, ऐसा एक दल जो आरएस की परीक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था कि डेट आगे बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए,
जब वो वहाँ उनके पास गए मुख्यमंत्री के पास कि आप डेट बढ़ा दीजिए, मुख्यमंत्री ने बिना कुछ सोचे कहा कि आप पंत जी से बात कर लीजिए। कई मंत्री हैं जिनके पास कोई काम लेके जाता है तो अंदर खानों में ये कहते हैं कि जाओ भजनलाल जी से कह दो अगर वो करवा ले, नहीं तो बात तो मुख्य सचिव के पास ही जाएगी। और ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं कि दे वेट फॉर द मूड एंड ऑर्डर्स फ्रॉम मिस्टर पंत एंड नॉट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। तो ये आ रहा है बट अभी ट्रांजिशन है, देखिए। हाँ, ये हर बार होता है। 25 साल का एक नॉर्म जो था कि सबको आदत थी कि वसुंधरा राजे इस तरह से राज चलाएंगी, अशोक गहलोत इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे, वो हटा है तो हर कोई टेस्ट कर रहा है। और भजनलाल जी का चूंकि ये फर्स्ट टर्म है, कोई अनुभव नहीं है, तो वो भी सुधांश पंत की तरफ काफी देखते हैं कि ये He will guide you. Seasoned bureaucrat with a very clean image. With a very clean image and very focused. He was health secretary in center before this. Yes, and he's a Mr. No Nonsense. वो जिसको देखते हैं जितना काम होता है उतना ही करते हैं। एक और किस्सा सुनाई देता हूँ। जी बताइए। एक बार सत्ता दल के 3 MLA मुख्य सचिव के पास अपनी कुछ फाइल लेके गए, तो मुख्य सचिव ने उन्हें बिठाया और 1 मिनट से भी कम समय में घंटी बजाई, अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा ये 3 विधायक आई हैं, आप इन्हें कॉफ़ी या जूस पिलाइए, इनकी शिकायत सुन लीजिए और जो काम हो सकता है वो करिए। और विधायकों की तरफ इशारा करके कहा आप इनके साथ जा सकते हैं। वाह, सत्ता दल के विधायक 1 मिनट भी चीफ सेक्रेटरी कमरे में पूरा नहीं बैठ पाए। यही तो है राजनीति, इस तरह के गलियारों में किस्से चटकारेदार खूब घूमते हैं। रायपुर में अलग ही हवा है, कोई कह रहा है कि सब कुछ नंदकुमार साहब के हिसाब से चल रहा है जो मुख्यमंत्री हैं, फिर कोई कह रहा है कि नहीं उप मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी उनके हिसाब से चल रहा है, कोई बोला नहीं साहब के हिसाब से चल रहा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, फिर कहा गया कि नहीं ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उनके हिसाब से चल रहा है, फिर कह रहा है नहीं अध्यक्ष जी जो है रमन सिंह उनके हिसाब से चल रहा है। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा है कि पार्टी में सबको लग रहा है कि उनके नेताओं के हिसाब से चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। मोहन यादव मध्य प्रदेश में सत्ता संभाले हुए, उनके लिए भी यही कहा गया कि उन्होंने आते ही सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में टॉप में अपने लोग बिठाए और उसके बाद सख्ती। पर मोहन यादव के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो कंटिन्यूटी में आए। एक और किस्सा सुना था मैंने, ख्याल से मैं पूरा नहीं था उस वक्त, मैं बाहर था, मैं राजस्थान नहीं था, पर जितनी सुर्खियां पड़ पाए सबसे ज्यादा अगर कोई अधिकारी बदले हैं स्टाफ में से तो वो दिया कुमारी के बदले, कि उनके पास जो भी स्टाफ था जो उन्होंने लिया उसकी बहुत अदला बदली हुई है। तो ये भी इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है उसका एक आस्पेक्ट है कि उनके साथ कौन अफसर रहेगा, इसको भी मार्क किया जा रहा है। अब ये और मार्क कर दीजिए कि नागौर में क्या होगा। ज्योति मिर्धा लगातार चुनाव हार रही हैं, मिर्धा परिवार की लेगेसी की वन ऑफ द वारिस वर्सेस हनुमान बेनीवाल, एक रोचक मुकाबला। बहुत रोचक मुकाबला। देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा हनुमान बेनीवाल लव हिम और हेट हिम यू कांट इग्नोर हिम, और नागौर जो उनका क्षेत्र है वहां तो उनकी प्रभुत्ता बरकरार है। तो आप देखिए पिछली बार जब भाजपा के पास सारी सीटें थी तो उन्हें पश्चिमी राजस्थान में जाटों के वोट चाहिए थे ताकि गजेंद्र सिंह कैलाश चौधरी और ये सारे लोग जीत सके अच्छे मार्जिन से, कोई इफ बट या एरर ना रहे, तो उन्होंने एक सीट छोड़ी हनुमान बेनीवाल के लिए। और इस बार कहते हैं गोविंद डोटासरा और बाकी जितने भी नेता हैं वो इसमें बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो गठबंधन कराया, कहते अशोक गहलोत उनके फेवर में थे, तो उनके बिना ये सीट निकल पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं था जो वहाँ लड़ सके, तो उन्होंने ज्योति मिर्धा जैसे ही इम्पोर्ट कराई उन्हें ये सीट दे दी। लेकिन हाँ ये समझ नहीं आ रहा है, बीजेपी की रैंक एंड फाइल कह रही है जब उन्हें लोकसभा ही लड़ाना था तो विधानसभा में वो सीट क्यों उन्हें दे दी, किसी और को मौका देते चांस मिल जाता। और ऐसा ही कुछ नज़दीकी किशनगढ़ में भी हो रहा है जहाँ भगीरथ चौधरी जो एक जाट नेता है उनको सिटिंग MP को आपने किशनगढ़ में MLA लड़ाया जहाँ वो सिर्फ 30,000 के करीब वोट ला पाते हैं, और आपका जो एस्टैब्लिश नया चेहरा था वहाँ पे विकास चौधरी वो बागी होके कांग्रेस चला गया, वो चुनाव जीत गया और अब भगीरथ चौधरी को वापस सीट दे दी। तो ये बीजेपी की गणित भी समझ नहीं आ रही और वो क्षेत्र पूरा जाट डोमिनेटेड है। पर एक रोचक बात और है, पिछले 4 चुनाव देख लीजिए एक भी MP नागौर से रिपीट नहीं हुआ है, आता जाट ही है लेकिन कौन आता है पता नहीं। तो शायद इसमें ज्योति मिर्धा अपनी चांसेस फैंसी करेगी, बट वो बहुत ज़्यादा नागौर में रहती नहीं है, वो जब MP भी थी तो उनका बेस दिल्ली ही रहता था, पर अभी कंपल्शंस कुछ ऐसे हुए कि वो उनके चाचा रिछपाल मिर्धा, चाचा के समधी लालचंद कटारिया, और ये ऐसा लगा कि एक मुश्त एक बड़ा परिवार बीजेपी की तरफ अंदर आ गया है। और लालचंद कटारिया तो टिकट के दावेदार भी थे,
टिकट के दावेदार भी थे और देखिए उन्होंने बिल्कुल मन पहले ही बना लिया था, उन्होंने विधानसभा चुनाव में मंत्री रहते हुए कह दिया मैं ये सीट नहीं लड़ूंगा। जी आपने ये चर्चा की तो मुझे ध्यान आ गया, त्रिभुवन जी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब लोगों के वन ऑफ द गाइडिंग पिलर्स, वो एक बड़ी दिलचस्प सीरीज चला रहे हैं ट्विटर पे जिसमें पुराने किस्से, और आपने कहा कि वो दिल्ली ज़्यादा रहते हैं तो वो मुझे सीकर का किस्सा याद आ गया जब जमुना लाल बजाज के परिवारजन वहाँ चुनाव लड़ने गए थे और हार गए थे। जी लोगों ने कहा कितनी गलती हो गई सीकर वालों से, कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं यहाँ पे, और जो जीत के गए शास्त्री जी वो फिर पलट के आए नहीं, आए नहीं, राम राज्य परिषद का उनको समर्थन हासिल था। बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी लगातार, राजस्थान के चैप्टर को अब हम यहीं पर रोकते हैं और बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। अब बात पंजाब की, जहाँ पर 1 जून को 13 सीटों की लोकसभा की मतदान होगा, चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और चौथी तरफ अकाली दल। आप और कांग्रेस का सब जगह गठबंधन है, पंजाब से बाहर, पंजाब में नहीं है। किस तरीके की प्रत्याशियों की सूची है जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर की है, और अब अरविंद केजरीवाल की क्राइसिस के बाद वहाँ पर क्या नए पावर सेंटर्स हैं, क्या इक्वेशन है, भाजपा में कौन से सरप्राइज नाम शामिल हुए, रवनीत बिट्टू या फिर सुशील रिंकू, इनके पीछे क्या पॉलिटिक्स रही, किसने ये पॉलिटिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया, और ये जब लगभग तय माना जा रहा था कि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन होगा तो पेज कहाँ फंसा, इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान इंडिया टुडे मैगजीन में डेप्टी एडिटर अनिलेश महाजन स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिलेश आपका नेता नगरी में, और दूसरे मेहमान जिनसे आप पहले भी मुखातिब हो चुके हैं यादविंदर सिंह जी जो प्रो पंजाब टीवी के एडिटर हैं। यादविंदर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिलेश धन्यवाद सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये जो दो ऑपरेशन किए बीजेपी ने, रवनीत बिट्टू को लेके आए, लुधियाना से सिटिंग सांसद हैं कांग्रेस के, और जलंधर के सिटिंग सांसद आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू को लेके आए, इसमें अंदर खाने क्या प्लानिंग बनी, क्या प्रोमिसेस हुए, क्या रणनीति रही? देखिए 15 दिन पहले जो है भाजपा का जो स्टेट यूनिट है उसमें जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है मंत्री श्रीनिवास, उन्होंने संपर्क साधा था रवनीत बिट्टू से, और रवनीत बिट्टू जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो पहले से भी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके नेताओं उसके संपर्क में थे, और उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि वो पार्टी जो है वो बदल सकते हैं अगर भाजपा उनको जो लुधियाना की सीट या चंडीगढ़ की सीट इनमें से कुछ ऑफ़र करती है तो, और भाजपा उनसे कन्वर्सेशन अभी कर ही रही थी और वेट कर रही थी जो सेंट्रल लीडरशिप है कि अकाली दल से किस तरीके का संपर्क बनता है, अकाली दल से कैसे अलायंस की चीज़ें सामने आती हैं, और उसी हिसाब से वो डिसीजन जो है वो लेना चाह रहे थे। और 22 तारीख को जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई अकाली दल की, जिसमें उन्होंने जिस तरीके की शर्तें रखी जिसके ऊपर अमित शाह पहले ही अपना स्पष्टीकरण दे चुके थे, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि रवनीत बिट्टू को पार्टी ज्वाइन कराई जाए, और उसी दिन सुबह जो है सुनील जाखड़ से बयान दिलाया जाए कि भाजपा जो है अलग चुनाव लड़ेगी और उसकी तैयारी करेगी। आप इसमें अगर संकेत भी देखें तो संकेत भी इसी तरीके के हैं कि वो राजवाना को, हवारा को, तारा को और ऐसे ही 20 जो कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं उनको छुड़वाने की बात कर रही थी अकाली दल कि उस पर कोई कमिटमेंट मिले, और जो लोगों की सेंटेंस इनके हिसाब से पूरी हो गई है उनको रिलीज किया। बलवंत सिंह राजवाणा जो बेअंत सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद है जी, और बेअंत सिंह हम सबको पता है कि पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री जिनकी हत्या कर दी थी आतंकवाद, और रवनीत बिट्टू जो है उन्हीं के ही पौत्र हैं जी, और वो जिस तरीके की राजनीति भी करते हैं वो थोड़ी एंटी खालिस्तानी स्टांसेस लेते हैं, और उस कारण से उनकी जो एक्सेप्टेंस है लुधियाना शहर में या उससे पहले जो अनंतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में थे जो हिंदू बहुल एरिया है उसमें काफ़ी एक्सेप्टेंस है, और उसी कारण से पोलराइज्ड इफेक्ट भी है कि जो जट सिख कम्युनिटी है वो उनको इतना पसंद नहीं करती है, तो वो इन्होंने एक सिम्बॉलिक जो है उस दिन डिसाइड किया कि रवनीत बिट्टू से शुरू किया जाए, और रवनीत बिट्टू की जो पार्टी में शमूलियत है उसको इतना गुपचुप रखा गया कि सुनील जाखड़ को भी उसके ज्वाइन करने से आधा घंटा पहले ही इन्फॉर्म किया गया, जो कि पंजाब में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी ताकि कोई काउंटर जो है वहाँ पे पंजाब में ना किया जाए या कांग्रेस की तरफ से कोई काउंटर ना आए,
और रवनीत बिट्टू ने भी अपने जो तो बीजेपी में फिर कौन बात कर रहा था रवनीत बिट्टू से, जो शुरुआती बात है वो मंत्री श्रीनिवास जी ने करी थी जो पार्टी के महामंत्री हैं संगठन के पंजाब में, और वो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से बात कर रहे हैं, और रवनीत बिट्टू ऑलरेडी इन टच थे अमित शाह के और प्राइम मिनिस्टर के, तो पर पार्टी बदलने का जो उनका डिसीजन है वो मंत्री श्रीनिवास को बताया गया। मनीष तिवारी के पास भी इस तरह का कोई ऑफर भेजा गया क्या? देखिए मेरी सूचना है कि उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने पंजाब के और केंद्र के जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी डिस्कशन करी है, और जो मेरी सूचना है कि वो आनंदपुर साहिब से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे भाजपा की टिकट पे, वो लड़ना चाहते हैं चंडीगढ़ की टिकट पे, और चंडीगढ़ क्योंकि वो एक गढ़ है भाजपा का और वहाँ पे उनके होम ग्रोन लीडर्स भी हैं और बाकी जगहों से भी वो सेटल कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है। और पर अभी तक किरण खेर का टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ है। जी वहाँ पे किरण खेर और संजय टंडन ये दो नाम जो हैं वहाँ के स्टेट यूनिट ने, और अरुण सूद जो वहाँ पहले मेयर रह चुके हैं, उन तीन नामों का पैनल जो है वो भेजा है सेंटर की लीडरशिप को, और वो कल रात को भी एक राउंड की डिस्कशन हुई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं एक दो दिन में जो है जो केंद्रीय लीडरशिप है वो डिस्कस करके इसको फाइनलाइज करेगी। किरण खेर की तबीयत का एक इशू है। अमृतसर से लगभग तय है तरनजीत सिंह संधू का नाम, पूर्व आईएफएस ऑफिसर जो बहाल में भाजपा में शामिल हुए। देखिए भाजपा के बारे में मैंने पिछले आई सेड लगभग तय, इसीलिए भाजपा में कुछ भी तय नहीं होता है जब तक वो उनकी केंद्रीय लीडरशिप। हाँ पर जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तरनजीत संधू की प्रेपरेशन जिस स्पीड पे चल रही है और तरनजीत संधू का जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों यही दर्शाता है, और वो अमित शाह से दो बारी मिल भी चुके हैं जी, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अमृतसर से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। इंटरेस्टिंग। जलंधर में क्या हुआ? सुशील रिंकू भी आ गए, सुशील रिंकू के जो विरोधी विधायक थे शीतल अंगुराल वो भी आ गए, मतलब गजब ही कमाल हो गया, दोनों धुर विरोधी उधर और फिर इधर आ गए एक साथ। जी पिछले तीन महीने से शीतल उंगराल और ये जो सुशील रिंकू हैं इनमें समझौता करवाया जा रहा था, और उस समझौता वहाँ के लोकल जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, शीतल उंगराल का अगर आप इतिहास जानें तो वो भाजपा से ही आम आदमी पार्टी में गए थे, भाजपा में जो शेड्यूल कास्ट मोर्चा है उसमें ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और इनके जो भाई हैं वो भाजपा के लिए विधायकी भी लड़ चुके हैं, और सुशील रिंकू से ही हारे थे, और कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन था सुशील रिंकू से ही हारे थे 2012 में। तो जो वहाँ की लोकल शीतल उंगराल के पक्ष के लोग थे संघ में, और उन्होंने समझौता जो है एक तरीके का पॉलिटिकल समझौता जो है सुशील रिंकू के साथ करवाया है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग ये भाप गए थे और जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की वो भाप गई थी कि शीतल उंगराल जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो उनके जो काम हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो होने बंद हो चुके थे। तो ये तीन महीने से तकरीबन तय था कि शीतल उंगराल जो हैं वो तो पार्टी बदल सकते हैं, पर सुशील रिंकू क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ, तो और आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ जो है वो पंजाब में पॉलिटिकल स्फेयर्स में थोड़ा नीचे आ रहा है, तो उनको ये अनकंफर्टेबल भी लग रहा था कि शायद जिस तरीके का नतीजा वो चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा, और भाजपा का जो ग्राफ है शहरी इलाकों में स्पेशली जो जलंधर के जो शहरी इलाके हैं उसमें ग्राफ उठा है, उसमें राम मंदिर एक इशू है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का अट्रैक्शन एक इशू है, उसमें आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो नेगेटिविटी है वो भी एक इशू है, तो उसके कारण जो शहरों में पंजाब के उठ रहा है और जलंधर भी उसका बात नहीं है, तो उसलिए सुशील रिंकू के लिए एक बेटर प्रपोजिशन लगी उनको। और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है, हारा हुआ कैंडिडेट भाजपा का और हारा हुआ कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का, तो भाजपा का हारा हुआ कैंडिडेट आज की परिस्थिति में और जिस तरीके का सुशील रिंकू का बैकग्राउंड है तो भाजपा में हारना इज़ बेटर चॉइस फॉर हिम। इंटरेस्टिंग। यादवेंद्र जी, बीजेपी की इस रणनीति को लेकर क्या चर्चा है पंजाब में और क्या फैक्टर्स रहे, क्या एडिशनल जानकारी है आपके पास? देखिए बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो 2027 की कर रही है, उनके लिए ये उन्होंने जो श्रीनिवासालू जी जिनका नाम ले रहे हैं ये वो तेलंगाना से आते हैं, और तेलंगाना में बहुत एक तरफ नक्सली होते थे दूसरी तरफ आरएसएस होती थी, तो श्रीनिवासालू जी उन आगुओं में से उन लीडरों में से हैं
जो वहां पर जमीन पर लड़ते रहे, और पंजाब भी बिल्कुल कई बार कंपैरिजन पंजाब का बंगाल के साथ होता है। अगर आज की परिस्थिति में देखना हो तो पंजाब का कंपैरिजन अगर बीजेपी की स्ट्रेटजी के हिसाब से कश्मीर से करना चाहिए, हालांकि कश्मीर में और तरह का माहौल है। पंजाब में अकेला सिख पॉलिटिक्स नहीं है, पंजाब में लेफ्ट बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। अगर पंजाब की जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है, बीजेपी उसको बहुत करीबी से समझती है, और बीजेपी इस पॉलिटिकल डायनामिक को जो अकाली दल से अलायंस अगर होता वो और होने थे, अगर अकाली दल से अलायंस नहीं हुआ तभी रवनीत बिट्टू वहां आए, नहीं रवनीत बिट्टू ने नहीं आना था, नहीं और लोगों ने नहीं आना था, क्योंकि स्पेस ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। तो भाजपा की जो स्ट्रेटजी है पंजाब को लेकर, और वो जानती है कि ग्राउंड पर खासतौर पर जो जमीन की लड़ाई, आप देखो पंजाब में अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिली कहां से मिली, बीजेपी को पंजाब में रेजिस्टेंस किसानी से मिली, जाटों से मिली। अगर आप देखेंगे 21-22% जाट है पंजाब में, कोई ज्यादा बड़ी वादी नहीं है, दलितों की वादी उससे कहीं ज्यादा है, 34% है, ओबीसी की वादी बड़ी वादी है यहाँ पर, क्योंकि वो सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डोमिनेट करते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशंस देखेंगे पंजाब के, ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी से लेकर सब जगह आपको जाटों का काफी बड़ा एक प्रभुत्व मिलेगा। तो ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि यहां यहां पर जिन राज्यों में रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है, बीजेपी वहां पर अपनी स्ट्रेटजी और तरह की रखती है। यहां पर सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, आप देखिए बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, यानी उस तरह की रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स नहीं है। क्योंकि पंजाब अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, एमरजेंसी में भी सबसे पहली जो रेजिस्टेंस कहीं से आई वो अकालियों ने इंदिरा गांधी को दी थी, और रेजिस्टेंस की हिस्ट्री पंजाब की आप हम गोरों के टाइम देख लो, आप उसके पहले अब्दाली, जितनी मर्जी पुरानी हिस्ट्री में चले जाओ, तो रेजिस्टेंस वाली जो स्टेट्स हैं बीजेपी की वहां पर रणनीति और तरह की। इसीलिए 2027 के लिए जो श्रीनिवासालु है वो अपने तरीके से, वो बीजेपी में दो ग्रुप थे, एक ग्रुप था जो जाखड़ ग्रुप है, जो नया ग्रुप है, जो नए लोग आए वो चाहते थे अकाली दल से अलायंस होना चाहिए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब में जो दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी है, जो बीजेपी के क्लोज है, जो मोदी शाह के क्लोज है, उसने बहुत जोर लगाया कि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नाम, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, पर यहां पर श्रीनिवासालु थे जो पिछले दो सालों से काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप लगातार ये कह रहा था कि यहां पर अगर हमने राजनीति अपनी खड़ी करनी है, अकाली दल हमारे खिलाफ एक इस तरह की इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करता है, डायरेक्ट नहीं करता, अकाली दल खुद नहीं करता, अकाली दल के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं वो आरएसएस के खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं हमारे खिलाफ। इसीलिए पंजाब में आरएसएस को एक ऐसे देखा जाता है कि जैसे आरएसएस एंटी पंजाब है, जबकि जैसे सबसे बड़ा इशू जो सौरव पंजाब में रहा, जो पंजाब में सबसे बड़ा इशू रहा आरएसएस की कंट्राडिक्शन को लेकर, वो रहा जब पंजाबी सूबा मोर्चा लगा। तो यहां पर कुछ लोग थे जो आर्या समाज मूवमेंट की, उसने एक स्टैंड लिया कि पंजाब के हिंदुओं की मां बोली हिंदी है, यानी देखिए आप पंजाब में हैं, पंजाब में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बोधी भी हैं, जैनी भी हैं, भाषा तो सबकी एक है ना, भाषा तो एक होती है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पर आर्य समाज की ये लाइन थी कि यहां पर जो पंजाब के जनगणना में जो हमारी जनगणना होती है जिसमें हमने वो लिखाना होता है कि हमारी भाषा कौन सी है, उन्होंने अपील की, पेपर बांटे, आर्टिकल लिखे न्यूज़पेपर्स में कि पंजाब की हिंदुओं को अपनी लैंग्वेज हिंदी लिखानी चाहिए। ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन पंजाब में, इसी पर वो जो अगली मूवमेंट शुरू होती है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था। पर आरएसएस ने तब गुरु गोवलकर जलंधर में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप सर्च करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया पर आपको खबर भी मिल जाएगी ये पुरानी हिस्ट्री को कोट करते हुए, कि गुरु गोवलकर ने आके कहा कि नहीं, पंजाब की हिंदुओं की लैंग्वेज पंजाबी है, संघ हमेशा हर राज्य में भाषा को सपोर्ट करता है। तो यहां पर आर्य समाज और आरएसएस को स्तर देखा है। तो मैं इसलिए बैकग्राउंड में जा रहा हूं थोड़ा सा सौरभ, कि यहां की जो कंट्राडिक्शन है, जो ये सवाल है कि पंजाब को बीजेपी डील कैसे करेगी, पंजाब में बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी, पंजाब में बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, तो ये ग्रुप ये चाहता था कि हमें अकाली दल से कभी भी स्ट्रेटेजिक अलायंस करना चाहिए, प्रिंसिपल अलायंस हमारा जो हमें पहले चलता रहा, जो हम कहते रहे पंजाब में ये हिंदू सिख एकता का रिश्ता है, पंजाब में नौ मास का रिश्ता है, पंजाब में ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, इसको हमें छोड़ के हमें स्ट्रेटेजिकली अगर जाना है जाना चाहिए, नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, हम एक लॉस करेंगे 2027 के लिए। तो वो रणनीति जो गांव में वो हर बूथ पर पहुंचना चाहते हैं। और ये भी देखिए, आप किसान आंदोलन के बाद आप डाटा निकाल लीजिए, मेरे पास डाटा तो नहीं है, पर क्योंकि मैं पंजाब कवर करता हूं,
डेंसली तो आप देखेंगे कि जितने लीडर आए उनसे सबसे बड़ी आबादी जाटों की है पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर से लेके रवनीत गुड्डू, आप नाम लीजिए किसी बड़े लीडर का, सारे लीडर जो लाइन लगाकर आए जो कांग्रेस की कैबिनेट है वो जाट थे, यानी जो लोग रेजिस्टेंस के लेवल पर विरोध कर रहे हैं उन्हीं में आपने सबसे बड़ी सेंधमारी की, उन्हीं में सबसे बड़ी सेंध लगाई। तो मैं ऐसे देखता हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है, मेरा ये मानना है कि 2024 में अगर मोदी जीतते हैं, बहुत सारे सर्वे उनको दिखा रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं जैसे सिर्फ लिफाफेबाजी है, मीडिया में जानबूझ के चलाया जा रहा है, वो अलग अलग तरह के अलग अलग भी हो, अगर मोदी जीत आते हैं तो आप देखेंगे पंजाब में जो कांग्रेस है वो आधी से ज्यादा बीजेपी हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा सेक्शन और अकाली दल का एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ जाएगा। सौरभ, ये दुनिया की हिस्ट्री है और पावर की हिस्ट्री ऐसी होती है, और पंजाब की हिस्ट्री भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पंजाब में जो कन्वर्जन हुई, जो सदियों पुरानी कन्वर्जन है, जैसे पंजाब में जब जट सिख बने, जब मुस्लिम बने, जो जो भी लोग धर्मों में अलग अलग कन्वर्शन है, आप देखिए वो कब बने, आप 1000 साल 500 साल पीछे जाइए पंजाब में तो आपको पता चलता है जिनकी पावर है उनके साथ लोग लगे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बहुत बड़े पंजाब के जनरल हुए, जिन्होंने पहले लैंड रिफॉर्म, मैं कहता हूँ दुनिया में फर्स्ट लैंड रिफॉर्म बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किया था, जिनको मोदी सरकार भी बहुत बड़ी उनकी एनिवर्सरी मनाती है, दिल्ली में बहुत उनकी यादगार है, क्योंकि उनको दिल्ली में शहीद किया था लाके गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद, तब भी बहुत सारे एक हिस्ट्री में एक बड़ा कालचक्र है जिसमें लिखा गया तत् खालसा बंदई खालसा, ये उनके खिलाफ साजिश हुई थी, क्योंकि वो दबोए कुचलों के साथ बंदा सिंह बहादुर ने जितने लैंडलेस लोग थे पंजाब के, अगर पंजाब के जाट भी हैं जिनको लैंड मिली है वो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दी थी, तब उनके खिलाफ साजिश हुई। उस टाइम भी जो पंजाब का अलीट था, जो सिखी का अलीट था मैं कहूंगा, वो आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री है कि कौन कौन लोग जो गुरु साहब के बहुत आसपास थे वो भी उस टाइम समय की सरकार के साथ मुगलों के साथ मिल गए और ये कुछ हुआ था। तो आप पावर के साथ, जो मैं कह रहा हूं कि पावर शेयरिंग के साथ, जब पावर शेयर का मामला आता है कि पावर किसके साथ शेयर होगी, तो पावर शेयर करने सब लोग जाते हैं, तो बीजेपी उस स्ट्रेटजी से काम कर रही है कि जाटों के एक बड़े हिस्सों को आप देखोगे बीजेपी में लाया गया है, और बीजेपी की यहां पर बंगाल नीति नहीं है, बीजेपी की यहां पर कश्मीर में तो चलो और तरह की कंट्राडिक्शन है, और तरह का माहौल है, पंजाब में उस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं है, पंजाब में शांति है, भाईचारा है, सद्भावना है, प्यार है, पर पंजाब में उनकी एक सॉफ्ट, मैं कहूंगा कश्मीर को लेकर जो हार्ड पॉलिटिक्स है, पंजाब में उस तरह की एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स बीजेपी ने शुरू कर दी है, और उसका निशाना 2027 है। मेरा ये मानना है कि अगर इसी तरह चलता रहा जिस तरह से चल रहा है, आज माहौल है बिट्टू का आना, रिंकू का आना, जहां 2024 में जब कांग्रेस हारेगी तो आप देखेंगे आप वर्सेस बीजेपी हो जाएगा 2027 में, अगर इसी तरह से माहौल चलता रहा। जी, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया, भगवंत मान सरकार पर बात कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं रिमोट कंट्रोल से चल रही है, पहले राघव चड्ढा चला रहे थे केजरीवाल के बिहाव पर, फिर संदीप पाठक, कई लोगों ने कहा नहीं भगवंत मान ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, इसलिए जो एक एंटी भगवंत मान और प्रो केजरीवाल जो सिर्फ उन्हीं को अपना नेता मानता है, गोटे पार्टी भी था जिसमें कई मंत्री भी हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं, इस तरह की बातें की गई। टिकट वितरण में भी किसकी चली ये बता दीजिए, और अब जब अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं तो पंजाब की आम आदमी पार्टी का क्या हाल है? यादविंदर जी, देखिए सौरभ, पहले तो ये बहुत बड़ा, आपको पता है एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये था, और ये था भी कि दिल्ली के लोग बहुत सारी अपॉइंटमेंट में, बहुत सारी चीजों में इंटरवीन करते हैं जी, पर उसके बाद एक ये दौर भी चला कि भगवंत मान, वैसे तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वेयर इज पावर, ये एक अकेला भगवंत मान के लिए नहीं है, ये तो बहुत सारी जगह के लिए एक फिलोसफिकल सवाल है कि वेयर इज पावर। तो पावर तो मतलब अलग अलग तरह से मूव होती है, जब उसके कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, ऐसे कोई उसका पक्का कॉम्बिनेशन या पक्का प्रिंसिपल या कोई पक्का फार्मूला नहीं होता, पर आज के दिन ये माना जा रहा है, जिस दिन में हम बात कर रहे हैं, जिस समय में हम बात कर रहे हैं, कि भगवंत मान काफी ज्यादा हावी हैं। भगवंत मान जो ब्यूरोक्रेसी में खासतौर पर पोस्टिंग है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि ब्यूरोक्रेसी को कौन चला रहा है, ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग, पुलिस की, आईएएस ऑफिसर की, ये सबसे बड़ा मामला होता है, सरकार क्या होती है यही होती है ना, तो ये सारी चीजों में तो उनकी काफी इंटरवेंशन है। पोलिटिकल लेवल पर टिकटों के डिसीजन में किसने पार्टी में आना है किसमें नहीं, मुझे ये पता है कि कुछ लोग पार्टी में आना चाहते थे, भगवंत मान की उन पर सहमति नहीं थी, उनको नहीं आने दिया गया, भगवंत मान ने कहा कि ये नहीं आने चाहिए, तो वो पार्टी में नहीं है, ऐसी ज्वाइनिंग थी जो नहीं हुई, ज्वाइनिंग जो होने जा रही थी, इसमें बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड खबरें भी छपती रही हैं,
तो ये दोनों ही है कि जब शुरू में ये कहा जाता था कि भगवंत मान पर दिल्ली काफी हावी है, ब्यूरोक्रेसी की चीजें, पोस्टिंग, ये वो सारी चीजों में वो कर रहे हैं, पर जब से केजरीवाल, मैं ये नहीं कहूंगा अंदर गए, पिछले समय से, पिछले काफी समय से भगवंत मान एक स्ट्रॉन्ग सीएम के तौर पर जो खुद वो डिसीजन लेना चाहते हैं, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर, एसएसपीज की नियुक्ति हो, डीसीज की हो, जहां उसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की हो, ये नियुक्तियां उनके ऑफिस से ही हो रही हैं। अनिलेश जी, क्या जानकारी हमारे पास? देखिए, ऐसा है, मैं पंजाब की जो हिस्ट्री है उसको मार्च टू मार्च जो है डिवाइड करता हूँ कि 2022 के मार्च में ये सरकार बनती है और पिछले साल मार्च में जब अमृतपाल को अरेस्ट किया जाता है एक ड्रामेटिक तरीके से, उसके बाद जो है हम सब समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो है भगवंत मान ने अपनी ग्रिप बनाई है। पर पंजाब में हमेशा पावर का टसल रहता है और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हिंदुस्तान की बाकी ब्यूरोक्रेसी से भी अलग है और उसका जो अपना ग्रिप है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर, वो हमेशा से रहता है। और पंजाब के जो ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं वो भी उस तरीके की जो टसल में शामिल रहते हैं। और जैसे यादवेंद्र जी बता रहे थे कि अलायंसेस करवाने के लिए भी जो है जो दिल्ली में पुलिस ऑफिसर्स पोस्टेड हैं पंजाब कार्डर के, वो काफ़ी एक्टिवली उसमें रोल अदा कर रहे थे। हम लोग भी उनसे बात कर रहे थे, मिल रहे थे और उनके अपने लॉजिक्स थे। और वो जो पंजाब और पंजाबियों की पॉलिटिक्स है, और पंजाबियों का मैं अलग से वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पंजाबी एक ग्लोबल कम्युनिटी है और वो ग्लोबली जो है उसके इम्पैक्ट्स होते हैं और उसमें पूरा का पूरा जो है वो रोल अदा करते हैं। और भगवंत मान ने कोशिश करी है कि अपने लिए स्पेस क्रिएट करे। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि राघव चड्ढा का इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया है और पाठक साहब का भी जो इन्फ्लुएंस है वो सर्टन पॉलिटिकल स्फीयर्स में रह गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है वो और भगवंत मान, इन्हीं की टसल और उसी की कश्मकश में जो है वो पिछले एक साल से जो है वो चल रही है। इंटरेस्टिंग। पंजाब में अभी और भी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। दर्शक ध्यान रखें कि यहाँ पर चुनाव आखिरी पड़ाव पर है, तो अभी जब सब दावेदारियाँ प्रस्तुत हो जाएंगी तब नए सिरे से हम इस पर बात करेंगे। कौन सी सीटें हैं पंजाब की जिनको आपको लगता है ललन टॉक को जरूर कवर करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब रुख करते हैं अगले प्रदेश का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेता नगरी में अब बात उत्तर प्रदेश की और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथी अभिनव पांडे। नेतानगरी के अगले सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और ऐसे वक्त में बात करेंगे जब 28 मार्च रात 10 बजे एक खबर ऐसी आती है जिसका असर आपराधिक दुनिया पर भी है और राजनीतिक दुनिया पर भी है। मुख्तार अंसारी के मरने की खबर आती है, बांदा जेल से जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और ये खबर आती है कि अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो मुख्तार अंसारी कि इस मृत्यु का, इस वक्त में जो मौत की टाइमिंग है, उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश में और खासकर के पूर्वांचल के इलाकों में, उसकी मैसेजिंग क्या जा रही है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल गई है, किसका टिकट कटा और किसका फंसा हुआ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन गेस्ट हैं। उत्पल जी हैं, उत्पल पाठक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये पूर्वांचल के इलाकों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, स्वागत है उत्पल जी आपका। हमारे साथ आशीष जी हैं, इंडिया टुडे के ब्यूरो हेड हैं, इंडिया टुडे पत्रिका के, लखनऊ से पूरे प्रदेश पर नज़र रखते हैं। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार। इसके अलावा हमारी साथी सिद्धांत इस वक्त गाजीपुर में हैं, उनसे हम बात करेंगे कि गाजीपुर में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आशीष जी पर आते हैं। आशीष जी, जब ये खबर आई तो लखनऊ में क्या चल रहा था, क्या चर्चा थी और किस तरीके से प्रशासन और सरकार तैयारी कर रही थी? नहीं देखिए, जब वो देखिए इसकी पृष्ठभूमि में जाइए, जब रोपड़ जेल में थे अंसारी और कोल्ड मामला चला के रोपड़ सेट को लखनऊ लाया जाए, उत्तर प्रदेश लाया जाए, तब जो इन्होंने अपनी बीमारियों का हवाला दिया था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, आ नहीं सकता हूँ जी। तो तब मैंने स्टोरी की थी, तब इन्होंने अपनी सारी बीमारियां लिवर लेकर, इतने किडनी का और इवन इन्होंने ये भी बताया था कि उनको कोई कोलाइटिस की बहुत बड़ी बीमारी है जिससे इनका जो मोशन है वो फंस जाता है, ये सब लिख के गाँव कहा था। वहाँ इलाज कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ चंडीगढ़ के पास कोई अस्पताल है पीजीआई का, चंडीगढ़ पीजीआई कहते वहाँ पे बड़ा इलाज चल रहा है, ये कहा गया था। और इसके बिना पर उन्होंने कोर्ट में अपनी दलीलें दी थी कि हम जो है यहाँ ला पाने में असमर्थ हैं,
तो जब यहाँ पर अगर उन रिपोर्टों को सही मान लिया जाए तो उनको तो लगभग सारी बड़ी बीमारियां थी, और जेल में जब भी इनका पहली बार आईसीयू में 2-3 दिन पहले भर्ती हुए, तो उसके बाद प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में वहां पर इनको भर्ती किया, आईसीयू में रखा, और इनको थोड़ा सा मोशन पास नहीं होने का जो मरीज वहाँ डॉक्टरों से बात भी ऐसे बताया लगा कि इनको उस पेट की बीमारी है और लीवर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो उसके बाद फिर शाम को ये फिर रात में देर रात फिर वापस चले गए। देखिये इन सब मामलों में होता क्या है कि ये जो मुख्तार जैसा 18 साल से जेल में रहना और उसके बाद इस तरह की बीमारियों पर का अटैक होना, इससे कई बार अगर आपको अच्छे इलाज नहीं मिलता हायर सेंटर में तो आपके लिए कई बार दिक्कत की स्थिति आ जाती है। उससे निपटने के लिए प्रशासन तो ने अपने यहाँ पे जो उनके साथ हो सकता था जेल की तैयारी है, जेल के हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी, बांदा को एक हाई प्रोफाइल जेल बनाकर उसका को पेश किया था, यूपी गवर्नमेंट नई जेल बनी थी तो उन्होंने अपनी तैयारियां की थी। प्रशासन भी यहाँ से सारा डीजी और डीजी एलओ और वहां पे डीजी जेल और उसके बाद जितने सब अधिकारी थे वो सब अपना जो उनसे कर सकते थे जो उसका प्लान है उन्होंने किया था। क्योंकि अभी फिलहाल क्लियर होगा कि पोस्टमार्टम, उसके बाद बिस्तरा रिपोर्ट से क्लियर होगा कि इनके मृत्यु का कारण क्या रहा। लेकिन अभी तक जो मेरा अपना अनुमान है कि इस तरह की मौतों में पोस्टमार्टम से कोई बहुत चीजें सर्कल के बाहर नहीं आती हैं जब तक उसका बिस्तरा उसका एक बहुत ही माइन्यूटली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ना हो कि उसकी मौत की असल वजह क्या थी। उत्पल जी मैं आपके पास आऊँगा, इससे पहले मैं सिद्धांत के पास जाऊँ, वहाँ पे गाजीपुर में इस समय क्या माहौल है खासकर मोहम्मदाबाद में। उत्पल जी मुख्तार अंसारी गाजीपुर मऊ और उसके आसपास के इलाकों के लिए माफिया या फिर मसीहा, पॉलिटिकल नेता या फिर गैंगस्टर क्या है? देखिए जब हम उनके इलेक्टोरल पास की बात करते हैं या फिर हम राजनीतिक चीजों की बात करते हैं तो अंसारी परिवार का जो राजनीतिक रसूख है वो कहीं ज्यादा है, और जो मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि वाली जो इमेज है उस इमेज से कहीं ज्यादा बड़ा उनकी पॉलिटिकल छवि हो जाती है। उसका कारण यह है कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से समाज सेवा से जुटा हुआ है और 2 पीढ़ियों से लगभग अफजाल अंसारी को, चूंकि उनसे 10 साल बड़े हैं तो आप ये मान सकते हैं कि उनके गार्जियन जैसे हैं। अफजाल अंसारी जब राजनीति में आए तो कम्युनिस्ट पार्टी से 3 बार विधायक हुए। तो जो भी गरीब तबका है, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ तबका है, और खासतौर पर अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट भाषा में लेकर के जाएं, जिसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो जो आज की डेट में फ्लोटिंग वोट्स होते हैं ना, जो कि कलेक्टेड ईबीसी या एमबीसी कैटेगरी के होते हैं खासतौर पर, उसमें अपर कास्ट भी है, उसमें बहुत तरीके के वोट ऐसे हैं जो स्कैटर्ड भी, तो ये सारा जो वोट फैक्टर है, मिसाल के तौर पर मोहम्मदाबाद जो उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उसमें हिंदू डोमिनेंस ज्यादा है, वहां मुसलमान बहुत कम परसेंटेज में, तो ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है कि मुख्तार अंसारी सिर्फ मुसलमानों के नेता थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हिंदुओं के वोट से चुनाव जीते। ठीक उसी तरीके से नए परिसीमन के हिसाब से देखें या पुराने परिसीमन के हिसाब से भी देखें तो अफजाल अंसारी जितनी बार भी लोकसभा में चुन करके गए या विधानसभा में चुन करके गए तो उसमें मुसलमान वोट से ज्यादा हिंदू वोट का एक फैक्टर था। साथ साथ ये भी एक फैक्टर था कि अलग अलग परिसीमन के दौर में अलग अलग जातियों और उपजातियों का वोट इस परिवार की तरफ घूमा है, जो कहीं से भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करता है कि उनकी जो आपराधिक छवि है वो उनकी राजनीतिक छवि के ऊपर ओवरलैप हो रही। तो ये मान लिया जाना कि जो एक रॉबिनहुड वाला फैक्टर है वो हर बार पहले आएगा, क्योंकि जो गरीब तबका, देखिए पूर्वांचल एक बड़ा गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, ऐसे में जो गरीब तबका है उस गरीब तबके के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि उनकी जो मदद करेगा वो मदद करने वाला ही उनके लिए रॉबिनहुड है, उनके लिए मसीहा है, वो उसके लिए ये नहीं सोचते कि वो मददगार जो है वो बसपा में है या सपा में। तो इसीलिए अंसारी फैमिली ने अलग अलग पार्टियों का दामन भले ही थामा हो लेकिन पब्लिक का जो कॉन्टैक्ट है, सपोर्ट है, वो उनके पास हमेशा रहा। सिद्धांत आप गाजीपुर में हैं, आप मोहम्मदाबाद भी गए होंगे, वहां पे क्या माहौल है अभी? मतलब अभिनव माहौल की अगर बात करें तो गाजीपुर ही नहीं, गाजीपुर मऊ बलिया इस पूरे क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा आइकन जो कहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, आई अवॉन्ट मिस माई वर्ड्स, कि यहाँ के लोगों के लिए मुख्तार अंसारी, यहाँ के उसके समर्थकों के लिए मुख्तार अंसारी एक आइकन ही है। उस वो आइकन का कल इंतकाल हो गया है। अब मऊ में दंगे भड़कते हैं जब, और मऊ में मुख्तार अंसारी जीप के ऊपर बैठ के, खुली जीप के ऊपर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो मुख्तार अंसारी झगड़े शांत करवा रहा है, जो उनका, जो मुख्तार अंसारी का समर्थक दल है।
लेकिन एक तबका ये भी है जो सब ये कहता है कि नहीं, मुख्तार अंसारी ने खुली जीप के ऊपर बैठकर दंगे भड़काए थे, लोगों की हत्या करवाई थी, लोगों को मरवाया था। तो एक तबका तो ये भी है। बहरहाल जो मोहम्मदाबाद का जो फाटक है, गाजीपुर से 20-22 किलोमीटर दूर है, फाटक के आसपास चाक चौबंदी कर दी गई है। वहां पे लोगों का जमावड़ा है जो इस समय कुछ बढ़ गया है इफ्तार होने के बाद, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं। वहां पर लोग बार बार घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई तो मुख्तार अंसारी के जो ठीक बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो सैदपुर में, गाजीपुर में ही सैदपुर में एक जनसभा में, एक जनसंचार कार्यक्रम में थे, जनसंपर्क कार्यक्रम में थे, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट पर। वो वहां पे उनको खबर आई है, उसके बाद वो घर आए और अफजाल अंसारी ने उसके बाद अपने आप को घर में बंद कर लिया। और जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार की शाम लगभग 8:15 के आसपास, तब तक अफजाल अंसारी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनका घर के बाहर के लोगों ने, किसी ने भी उनको देखा नहीं है। अलबत्ता सिबकतुल्ला अंसारी, जो अफजाल से बड़े भाई हैं और सिबकतुल्ला के बेटे मन्नू अंसारी, ये कल से लेकर अब तक में 12 घर के बाहर आए हैं। उन्होंने लोगों को समझाया, जो लोग वहां पे बैठ के नारे लगा रहे थे, जो लोग वहां पे जिंदाबाद किसी को कह रहे थे तो किसी को मुर्दाबाद कह रहे थे अपने अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से, उन्होंने उसको समझाया। मैं आज कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक तो कम से कम अंसारी परिवार का पूरा समर्थन है कि वो मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में और खासकर गाजीपुर में भी वो कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। इसके लिए बार बार अंसारी परिवार के जो नुमाइंदे हैं वो बाहर आ रहे हैं, घर से, फाटक वाले घर से बाहर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ बढ़ जा रही है तो उन्हें वापस जाने को कह रहे हैं। ऐसे करके लगातार क्राउड मैनेजमेंट अंसारी परिवार की ओर से तो किया ही जा रहा है। पुलिस ने भी काफी बैरिकेडिंग वगैरह की है, बैरिकेडिंग मतलब एक लचर सी बैरिकेडिंग जैसी पुलिस आमतौर पर करती है, ये वैसे कर दी है। और साहब मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये उनको कहने का मौका मिल गया कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। यहाँ के लोगों को कहने का मौका मिल गया कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी यही आरोप लगाए थे कि उनको कई हफ्तों से थोड़ा थोड़ा करके जहर खिलाया जा रहा था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक सजा याफ्ता माफिया गैंगस्टर और एक पूर्व विधायक का जब इंतकाल होता है तो ये बात साफ समझ में आती है पूर्वांचल के समीकरणों में खासकर, कि एक पॉलिटिकल इक्वेशन एक नया यहाँ पे अब एक थोड़ा फॉर्मुलेट होने की शक्ल में दिखने लगेगा आगे आने वाले दिनों में। आशीष जी, आप भी क्या ये मानते हैं कि इसका असर जो जिसकी बात सिद्धांत कर रहे हैं कि क्या इसका असर 24 के चुनावों पर भी होगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा। देखिए इसका असर इसलिए पड़ेगा, देखिए जब 2019 का चुनाव हुआ और मनोज सिन्हा गाजीपुर से हारे तो एक क्या ना कि जो एक भूमिहार पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, आप उसके बाद देखेंगे AK शर्मा लखनऊ यूपी भेजे गए और तो उसके बाद से 19 बाद से योगी आदित्यनाथ ने जो भूमिहारों का जो नंबर वन जिसको वो अपना अपराधी मानते थे वो मुख्तार अंसारी को ही मानते हैं एक्चुअली में। तो योगी आदित्यनाथ ने 2019 चुनाव के बाद से ये पूरा शुरू किया कि जब उन्होंने सारे अपराधियों की ये कुंडली निकलवाई कि कौन कितने केसेस में बाहर है कहाँ पर है, तो उसमें मुख्तार अंसारी अतीक अहमद ऐसे लोग आए जो बाहर जिलों में, अहमदाबाद में अतीक अहमद बनते हैं और मुख्तार अंसारी रोपड़ जिले बनते, तो पूरा एक उन्होंने सिस्टम बनाया एक कि इन लोगों के केसेस को कैसे लड़ा जाए और कोर्ट में कैसे पैरवी की जाए, उसका एक सक्षम सिस्टम बनाया, वकीलों का लगाया गया, वकीलों को हाईटेक किया गया, उनको उनको टैबलेट दिए गए कि वो सारे ऑनलाइन कर सके। और दूसरी बात होता क्या था कि लोगों के जो जो लोगों के केसेस होते थे उसमें बड़े लोग होते थे वो गवाह नहीं बनते थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये शुरू किया गया, परंपरा शुरू की गई कि जो गवाह थे उनको प्रॉपर सिक्योरिटी में कोर्ट लाया गया। एक लाइसेंस वाले मामले में आलोक रंजन जो उस समय मऊ के DM थे, उनका जौनपुर सॉरी DM थे, वो गए पेशी पे गए, मतलब जो अधिकारी थे जो कहीं रिटायर हो चुके हैं, डर रहे थे नहीं गांव फंसते थे, तो उसको लाके पूरा कराया गया। तो ये एक सिस्टम बनाकर जो मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हुई उससे एक जो सबसे बड़ा तबका जो खुश हुआ वो था भूमिहार, जो वहां का मऊ गाजीपुर जौनपुर पूरा भूमिहार है, तो वो उसको उसने उसने
उससे बहुत पॉजिटिव इससे साइन दिया। तो ये जो चुनाव आने आने जा रहा है तो उसमें ये पूर्वांचल का जो कुम्हार जाति के लोग हैं वो उसका एक तरफा सपोर्ट वो योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को देंगे। उनको लगता है कि योगी जी अगर ना होते तो ये चीजें इस तरह से ना हो पाती, मतलब वो जेल में नहीं बंद होता, यूपी नहीं लाया जाता। ये सिग्निफिकेंट है इस समय और इसका फर्क तो इसका तो उनको फायदा मिलेगा। इसका फायदा चुनाव में किसको कैसे मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। आशीष जी आप तो विधानसभा भी कवर करते हैं, मुख्तार अंसारी को कई बार आपने विधानसभा में भी कवर किया होगा। कई लोग कहते हैं कि वो डुअल कैरेक्टर आदमी होता है कि एक माफिया वाला चेहरा है और एक नेता वाला चेहरा है, आपकी कभी मुलाकात हुई? हुआ क्या था कि एक बार 2011 की बात है, 2011 सपा 2012 चुनाव के पहले से, तो मैंने एक पन्ने की स्टोरी इंडिया में की थी और अब्बास अंसारी का कोई शूटिंग कॉम्पिटिशन जीता था, उसकी मैंने एक पन्ने की स्टोरी इंडिया में की थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं घर में बैठा अपना काम कर रहा था, सुबह 9 बजे करीब था, समय था, मेरे पास मोबाइल फोन आया, मैंने कहा भैया अब्बास, भैया मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं। तो हमने कहाँ से बोल रहे हैं? भैया चिंता जेल से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, ड्राइवर का नंबर है। तो मैंने मोबाइल में अभी भी उस मुख्तार अंसारी ड्राइवर के नंबर से, मैंने कहा भैया आप रखो फोन, बाद में बात करते हैं। बात खत्म हो गई, सपा की सरकार बन गई 2012 में, तो राजा भैया बन गए जेलर। तो राजा भैया जब जेलर बने तो मैंने स्टोरी की कि राजा भैया की जेलर, पहली स्टोरी बनने के बाद। उसके बाद जून 2012 में बजट सत्र हुआ, तो राजा भैया के साथ मुख्तार अंसारी आ रहे थे विधानसभा में, और विधानसभा में आ रहा था राजा भैया, मुझे पहचानते थे। तो राजा भैया ने कहा कि अरे देखो ये आशीष है, इन्होंने मेरी स्टोरी की है, हालांकि नेगेटिव स्टोरी थी इनके ऊपर, तो उन्होंने कहा इन्होंने स्टोरी की है। तो मुख्तार ने कहा अच्छा आप भैया वही हैं? अरे कहते अब आपको तो कुछ खाना पड़ेगा। वो ले गए मुझे, तो विधानसभा में एक प्रॉपर कमरा था जो पूरा उन्हीं के लिए साइन था, उसमें उनके लोग बैठे थे, एक अधिकारी भी बैठे थे उसमें, शिक्षा विभाग के वो बड़े अधिकारी थे, उनसे उनके कुछ स्कूलों का कुछ मैटर चल रहा था। और मुझे बढ़ा के मुझे छीनने का रसगुल्ला उसने मोती महल से मंगा के मुझे खिलाया और मुझसे कहा कि भैया कभी मेरे लायक कोई जरूरत होगी तो आप बिल्कुल बताइएगा। तो देखिए उस क्या था, मुख्तार अंसारी का करेक्टर थोड़ा सा पॉलिटिकल था, मतलब जैसे अतीक अहमद तो डिटेक्टिव क्रिमिनल था, लेकिन मुख्तार अंसारी एक पॉलिटिकल क्रिमिनल, वो कहीं जगह पे वो बहुत सॉफ्ट था, इसीलिए देखिए वो चुनाव अपने बूते पर जुड़ा, उसकी एक फॉलोइंग इसीलिए बनी कि उसने क्या किया कि उसने अपने जो कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा था और कुछ लोगों के लिए वो बहुत बुरा था, इस तरह का उसका 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 करेक्टर था। मैं भी एक और स्टोरी पिछले साल भी मैंने की थी, तो मैं उसके गांव गया था, उसके सब के लोगों से मिला, तो लोगों के लिए उसने अपने गरीबों के लिए वहां पे आप देखेंगे गरीबों के लिए दुकान बनवा के उनको फ्री में दिया उसने, ये सब काम करने से उसने अपने एक फैन फॉलोइंग बनाई है, इसीलिए जो है कि वहां पर। लेकिन आशीष जी मैं आपको टोकूंगा, सॉरी मैं सिद्धांत, वही मुख्तार अंसारी पे मुकदमा चलता है कि हाईवे पे सड़क पे एक विश्वकर्मा किसी विश्वकर्मा की जमीन को हथिया कर उस पे होटल गजल खड़ा करते हैं, वो जमीन का जो दाम 30,000 रुपए अदा किया जाता है, उस पे कब्जा करके होटल गजल खड़ा किया जाता है, जिसपे कुछ सालों पहले बुलडोजर चलाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं देखिए वो तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए वो बहुत अच्छा है और किसी के लिए वो बहुत खराब है, इस टाइप का उनका उसका करेक्टर था। अगर किसी लोग से आप मिलेंगे तो आप लगेगा यार बहुत अच्छा आदमी है, और किसी लोगों के कि बहुत भाई वो तो डेडली क्रिमिनल था ये, तो इसको कोई इंकार थोड़ा कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसको करेक्टर में बहुत वेरिएशन था। जैसे अतीक अहमद के करेक्टर में इतना वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मुख्तार अंसारी के करेक्टर में आप देखेंगे उसको, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुख्तार अंसारी के लिए आज भी समर्पित होंगे, लेकिन लेकिन बहुत लेकिन लेकिन क्रिमिनल तो है ही आखिर, तभी तो जेल में था, तभी तो उसका उसका एक वो बहुत दुर्दांत पक्ष भी है। तो इस तरह का उसने अपना पलटवा, चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से आता था तो वो इनरेंट था, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल थोड़ा सा बनावट थी थोड़ा सा सब कुछ, तो ये असर उनके ऊपर था। तो मुख्तार का इसी तरह से इनका आप देखते हैं, इनके बाद की जो नई पीढ़ी आ रही है वो किस दिशा में जाती है, ये बहुत देखना बहुत सिग्निफिकेंट होगा। सिद्धांत जो आप लोग तो आप खुद भी बनारस के हैं और मुख्तार अंसारी ने तो बनारस से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा प्रभाव और बड़ा मुश्किल से वो चुनाव मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता जीत पाए थे, तो आप लोगों की तरफ जो है क्या कहानियां चलती हैं मुख्तार अंसारी की और क्या चर्चा होती है? कहानियां जैसे मैं उदाहरण से बताता हूँ, साल 2009 में अगर आप जिस चुनाव की बात कर रहे हैं जी, तो साल 2009 में उस साल जब मुख्तार अंसारी ने पर्चा भरा और पोलिंग की जो डेट थी
पोलिंग की डेट में उस दिन एक हल्ला उड़ा बनारस में दोपहर में 3-4 बजे के आसपास। वो ये हल्ला था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान वोटर मुख्तार अंसारी के नाम पर जाके दबा के वोट डाल रहे हैं, जोशी जी का हारना तो तय है। ये कोरी अफवाह थी जो बाद में हमें, मुझे कुछ अधिकारियों ने भी बताई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला, मुरली मनोहर जोशी के वोटर आए सामने, उन्होंने वोट डालना शुरू किया और मुरली मनोहर जोशी कुछ 17,000 वोट से जीत पाए थे, जिसको एक बहुत अच्छी जीत नहीं माना गया मुरली मनोहर जोशी जैसे मेयर के नेता के लिए। फिर आता है साल 2014, इस साल मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते हैं, पर्चा दाखिल करने की बात करते हैं बनारस से, लेकिन इस साल अजय राय बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, और मुख्तार अंसारी जिनके ऊपर अवधेश राय, अजय राय के बड़े भाई के हत्या का मुकदमा चला और इसमें उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो गई, दोष सिद्ध भी हो गया, उस मुख्तार अंसारी ने कहा कि अजय राय को हम समर्थन देंगे, हम अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। जिस पर अजय राय का बयान आया कि मुख्तार अंसारी के समर्थन की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने साल 2021 में अजय राय का एक लंबा इंटरव्यू लिया था जिसमें अजय राय ने कहा था, मैंने उनसे कहा कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से विचाराधीन है, लंबे समय से मुकदमे चल ही रहे हैं, कोई गति नहीं समझ में आ रही है। जिस पर अजय राय ने कहा कि मैं आज लिख के दे सकता हूं आपको कि हर केस में भले बच जाएंगे लेकिन मेरे भैया के मर्डर के केस में तो मैं इनको बचने दूंगा नहीं, मैं इनको सजा दिलवा के मांगूंगा। और उस केस में मुख्तार अंसारी को बीते साल सजा हुई भी, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई अवधेश राय मर्डर कांड में, और उस घटना के बाद से ही लगातार अगर आप अजय राय के घर जाते हैं जो थाना चेतगंज के सामने है, वहां पे आपको कई कई बार सिक्योरिटी लोग उनके आसपास के लोग जो लगातार आपको मिलते हैं। और मुख्तार अंसारी का जो पॉलिटिकल एंगल है वो आपको साल 2010 में एक नई करवट लेता है जब वो और उनके बड़े भाई अफजाल मिलके कौमी एकता दल नाम की पार्टी का निर्माण करते हैं। अभी पॉलिटिकल शख्सियत के तौर पे एक सबसे बड़ा नाम बचा है वो केवल अफजाल अंसारी का ही है। अब्बास अंसारी की विधायकी पे अभी भी खतरा है, वो सुभाषपा के विधायक हैं। एक तरह से देखें तो राजनीति कितनी सुंदर चीज है कि वो इस समय एनडीए के विधायक है, क्योंकि सुभाषपा जिसके पार्टी के विधायक हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो ऐसे अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी ने लंबे समय तक इस पूरे पूर्वांचल की मुस्लिम पॉलिटिक्स को स्टीयर किया है। हालांकि अगर आप उनके पूरे पॉलिटिकल स्टेचर को देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम परिवार से निकला आदमी अगर एक बड़ी नेतागिरी करता है तो उसको आम तौर पे मुस्लिम और मुसलमानों का पॉलिटिशियन मान लिया जाता है। उत्पल जी, मैं, आप लंबे समय से क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और आपको उस इलाके की अच्छी पकड़ भी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपकी मुख्तार अंसारी से मुलाकात हुई, किस तरीके का उसका बिहेवियर था, और जो लोग जब आप कभी मिले तो क्या और लोगों के बीच मिले, बाकी लोगों से कैसा व्यवहार था, किस तरीके की भीड़ उसके पास आती थी? हम उनसे 2005 में किसान राय मर्डर केस के एक महीना पहले जब वो जेल के अंदर बंद हुए थे गाजीपुर जेल में, तब मिले थे और उस समय आम मुलाकाती के तौर पर उनसे मुलाकात हो जाया करती थी। उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात 2009 के चुनाव, जब लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट से, तब भी एक आम मुलाकाती के तौर पर वो सबसे मिला करते थे, तो हमारी उनसे मुलाकात गाजीपुर जेल में हुई। आमतौर पर वो पत्रकारों से मिलते समय जो है बड़े ही मिलनसार होते थे और बहुत ही जो है हंसी मजाक की बातें किया करते थे। आमतौर पर लोगों के बारे में हालचाल पूछना, उनके गांव के बारे में पूछना, उनकी पसंदीदा चीजें उनको मंगवा करके खिलाना, ये सब कुछ उनकी खास क्वालिटीज थी जिससे कि लोग उनको जल्दी भूल नहीं पाए। तो उस जमाने में गाजीपुर जेल में उनसे मिलना काफी आसान हुआ करता था, जो अब 2005-6-7-8-9 का जो एक समय था, तो उस समय में उनसे मिलना काफी आसान हुआ करता था, तो उस समय कोई भी जाकर के उनसे मिलता था, तो उसी क्रम में मेरी भी मुलाकात। एक सवाल उत्पल जी आपसे ये भी है कि अब मुख्तार की मौत हो चुकी है और इस मौत के बाद जो उसके राइवल गैंग माने जाते थे जैसे ब्रजेश सिंह या फिर जो और तमाम लोग हैं त्रिभुवन सिंह और भी जिससे उसकी राइवलरी थी, तो उस खेमे में क्या चल रहा है और जो मुख्तार का आपराधिक पक्ष था उस पर लोग क्या सोचते हैं? अब कोई राइवल गैंग जैसी चीज तो रह नहीं गई है, क्योंकि जो राइवल थे वो ब्रजेश सिंह खुद जनप्रतिनिधि हो गए थे बाद में, कुछ दिन पहले वो एमएलसी थे, कुछ साल पहले उनकी पत्नी भी एमएलसी थी भाजपा से। तो जो राइवल गैंग है वो, ब्रजेश सिंह भी अब गैंग नहीं चला रहे हैं, वो एक समाज सेवक हो चुके हैं, बिजनेसमैन हो चुके हैं। हाँ, आप ये कहिए कि पॉलिटिकल रूप से जो राइवलरी है, जैसे आप कह लीजिए किसान राय जी के गांव में जो लोग हैं वो लोग
उन लोग उनकी खुशी वो लोग जाहिर कर रहे हैं अपनी खुशी तमाम तरीकों से, या जो ब्रिजेश सिंह से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी खुशी तमाम तरीके से सोशल मीडिया और चीजों से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन गैंग जैसी राइवलरी अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि पूर्वांचल का जो समीकरण है वो सारे समीकरण अब बदल चुके हैं। तो पिछले 10 सालों में कोई गैंग ऑपरेशनल नहीं है इस तरह कि वो आपस में कोई राइवलरी जैसी चीज सोचे, और ये चुनाव का मौका है। ऐसे में मानस चुनाव के समय में कोई भी चीज ऐसा करना या कोई भी चीज इस तरीके की सोचना, हम मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी गलत कदम को ऐसा उठाएगा। तो राइवल गैंग्स को लेकर के तो कुछ नहीं, हाँ जो राइवलरी पॉलिटिकल है उसमें जाहिर सी बात है कि लोग खुश होंगे, एक कंसोलिडेशन होगा भूमिहार वोटों का भी जो कि भाजपा की तरफ जाएगा, या और जो अपर कास्ट वोट है जो मान लीजिए मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट में थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ में जाएंगे, तो ये कंसोलिडेशन पॉलिटिकली देखा जा सकता है। जी देखिए, आम जनता खुल करके कुछ बात कर नहीं रही है, मीडिया वालों ने भी बात करने की बड़ी कोशिश की, हम लोगों ने भी बात करने की कोशिश की, तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोग भले दबी जबान में कुछ बोल रहे हैं कि इस डेथ का जो असर है वो वोट में रिफ्लेक्ट होगा चुनाव में, और कुछ लोग दबी जबान से ये भी बोल रहे हैं कि जैसे 4 लोकसभा सीटें जो आसपास की हैं, घोसी हो गई, गाजीपुर हो गई, बलिया हो गई, जमनिया हो गई, ये 4-5 सीटें जो है उसमें एक खास असर दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोई भी इस चीज को ऑन द रिकॉर्ड अभी बोलने को तैयार है नहीं क्योंकि अधिसूचना का माहौल है, धारा 144 लगी हुई है, काफी संवेदनशील मामला है, तो कोई भी खुल करके तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सी खिचड़ी पक रही है और मुझे लगता है कि आने वाले 15-20 दिन में वो रिफ्लेक्ट होकर सामने दिखाई भी देने लगेगा जब कैंपेन और जोर पकड़ेगा इस इलाके में। मुख्तार अंसारी पे हम बात कर रहे थे, अब कुछ और चीजों पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। जैसे आशीष जी, आजकल उत्तर प्रदेश में खूब वायु श्रेणी की सिक्योरिटियां मिल रही है, नए नए नाम भी सामने आ गए हैं, क्या कहेंगे उस पे? सिक्योरिटी तो हमेशा यहाँ से स्टेटस सिंबल होता है राजनीति के, मैं राजनीति में किसको हमें लुभाना है, किस पर डोर डालने हैं, उसको पहले उसको सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे मछली को दाना खिलाना होता है वैसे यहाँ सिक्योरिटी दी जाती है, पहले आते कि ना उससे एक संदेश देते हैं कि देखिए सिक्योरिटी, आकाश को सिक्योरिटी दी, इसके बाद जो 4 लोग सपा के तोड़ के आए थे उनको सिक्योरिटी दी, तो सिक्योरिटी का यहाँ पर नेताओं के बीच में आप यहाँ गृह विभाग जाइए, मैं एकदम ताजा वाली सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर को सिक्योरिटी मिली है वाई श्रेणी की, क्या कहानी है? चंद्रशेखर को देखिए क्या है कि चंद्रशेखर को जिस तरह से किनारे किया गया, चंद्रशेखर एक्चुअली में सिक्योरिटी पीछे के पीछे ये अपने जो आरएलडी जैन चौधरी का दिमाग है, जैन चौधरी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैन चौधरी पैरवी कर रहे थे सपा पार्टी से, इनको नगीना से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जैन चौधरी खुद आ गया एनडीए में, तो बेचारे वो वहां अकेले रह गए, तो अखिलेश ने गुस्से में नगीने में से उनको टिकट नहीं दिया, तो स्वाभाविक था कि जैन चौधरी को उनके लिए कुछ ना कुछ करना था, तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला इसके पीछे जो है जैन चौधरी है, और जैन चौधरी के ही तरीके से उनको जो है ये वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, और उस सुरक्षा से एक मैसेज दिया गया है कि जनता के बीच में कि ये अपने आदमी हैं। नहीं तो क्या ये जो अपने आदमी का मैसेज दिया गया है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर जो हैं दलित पॉलिटिक्स का एक उभरता चेहरा, वो अगले रामदास आठवले भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता है, मतलब उसमें अगर अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए तो स्थानीय समीकरण कैसे बैठते हैं राजनीता में, देखिए कोई आदमी किसी पार्टी का तो थप्पड़ लगा के आया नहीं है, हम लोग देख ही रहे हैं जिसको लगता ही था वो साथ बैठ जाते हैं आके, तो जब वरुण गांधी को समाजवादी लेने पार्टी लेने को तैयार हो जाती है, दूसरी पार्टियां डोर डाल सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी सरकार है जो है वो चंद्रशेखर को डोर डालने क्यों डाल सकती है, जिसके पास जो है वो उसको दे रहा है, उनके पास सिक्योरिटी दे सकते, कुछ भी हो सकता है इसमें पार्टी, तो स्थानीय समीकरण के हिसाब से अगर वो चंद्रशेखर को अपनी राजनीति चलानी है जिस तरह से अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से अपना एक आगे करियर चुनना होगा, जिस तरह से जैन चौधरी चुना था, हो सकता है वो भी इस तरह से चुन ले। बात तो सही, आपकी राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन क्या इस तरीके की भी गुंजाइश हो सकती है कि मतलब बीजेपी के प्रति जो है उनका जो विरोध था वो हमें साफ दिखता था, और कहीं पे प्रोटेस्ट करना हो, कहीं पे चाहे हाथरस हो, चाहे उसके अलावा कहीं भी हो, तो एक प्रखर चेहरा के तौर पर चंद्रशेखर को देखा जाता है, अब क्या वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिलने के बाद उस चीजों में कमी आएगी, कैसा उधर से क्या रिस्पॉन्स आपको? नहीं अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत कमी आएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन चल रहा है, इसमें कुछ आप पता ही चलेगा दो, क्योंकि अब ये जो इनका जो एटीट्यूड इलेक्शन खत्म होने के 3 महीने बाद लगेगा कि एक्चुअली में अब उनका, क्योंकि इलेक्शन में तो सब लोग एक ही तरह की बात करते हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा शांत बैठ जाए या अपना नजरिया तौर पर प्रचार करे, तो अभी तो कुछ आपको ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आएगा कि वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे या करेंगे, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे इसका, अब ये चंद्रशेखर के ऊपर भी है कि वो अगर अगर वो नहीं आते तो सिक्योरिटी वो रिजेक्ट करते, कहते भाई मुझे चाहिए सिक्योरिटी,
एक ये भी तरीका है, आप सीधे मैसेज दीजिए। अगर मैसेज नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे बाद में। अच्छा, ये एक चीज और बता दी आशीष जी कि चंद्रशेखर को टिकट अखिलेश के पास लेने नहीं गए या फिर अखिलेश उन्हें देने से पहले ही मना कर दिए, मतलब एक होता है ना कि पहले आगे कौन है। अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच में जो लिंक थे जयंत चौधरी, वहां से गड़बड़ हो गया एक्चुअली मामला। ये जो उनका लिंक था वो अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच में, जयंत चौधरी उनके सबसे बड़े पैरोकार थे, वो खुद एनडीए में आ गए, तो अब स्वाभाविक था कि एनडीए माने के बाद से फिर जयंत चौधरी तो अकेले पड़ गए, तो फिर कैसे वो किसके थ्रू अपने टिकट की पैरवी कराए। और अखिलेश चिड़ इसलिए गया कि अखिलेश भाई जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, जयंत चौधरी से जो जो उनको चिड़ थी उसको वो भाई उनके दोस्त को कैसे टिकट देते हैं, तो मैसेज लग जाता, तो इसलिए ये इस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई है ये। अच्छा, तो मतलब क्या अखिलेश और चंद्रशेखर में आप कभी डायरेक्ट संवाद नहीं होता था? नहीं, डायरेक्ट होता था ऐसा बात नहीं है कि मैंने, मुझे बहुत मतलब इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता था एक्चुअली। अच्छा, तो ये सारा घटनाक्रम है। और जो टिकटें फंसी हुई हैं उस पे क्या चर्चा हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटें फंसी होती हैं उसमें सब कयासबाजी होती है, तो बंद कमरों में अपना टिकट पल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वही हो रहा है कैसरगंज को लेकर। सबसे ज्यादा दिखाए हैं कि बसवंत सिंह का टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि टिकट कट जाएगा, क्योंकि आप देखिए ना, ये जो महिलाओं का मामला आया, शक्ति केंद्र वाला मामला आ गया इधर, और इसमें हर जगह महिला से जुड़े अत्याचार, महिला जुड़ी बातें लाइमलाइट में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बसपा समिति को दोबारा टिकट देती है तो तुरंत फिर वही वुमेन क्राइम, वुमेन के अस्मिता, इन सबके नारे सब चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मेरी अपनी रिपोर्ट है कि बसपा समिति को कहा जा रहा है कि भाई या तो आप ना लड़िए, आप बताइए नाम, तो अब ब्रजेंद्र सिंह जितनी जल्दी नाम बता देंगे उतनी जल्दी बीजेपी ब्रजेंद्र सिंह को नाराज करके कैसरगंज में टिकट नहीं देने वाली। मतलब फिर भी मोटा मोटी देखा जाए तो दबदबा थोड़ा हिला हुआ है। ये दबदबा कायम होता है आपके वहां पर रसूख से, आपके वहां अधिकारियों से, जिन जिन अधिकारी को पसंद नहीं करते थे सब अधिकारी वहां पर तैनात कर दिए गए, तो उनकी वहां इस तरह से उतनी चलती नहीं है अधिकारियों के बीच में, तो ये थोड़ा सा इश्यू होता है। और देवरिया के लेकर क्या चर्चा है? देवरिया में सुना है कि बहुत सारे दावेदार हैं, उसमें एक विधायक भी दावेदार है। हाँ, विधायक शलभ बड़ी त्रिपाठी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रमापति राम त्रिपाठी जी का हो सकता फाइनल हो जाए टिकट, क्योंकि उनके अंगेज को ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं जा रही है कि तो होल्ड कर रखा गया है इसको, लेकिन हमें लगता है कि मुझे अभी भी तरीके लगता है कि जो मेरी वहां पे बातचीत लोगों से हो रही है, पार्टियों में लोगों से बात की, तो उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है रमापति राम त्रिपाठी जी के प्रति। और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा तो जिनके नाम चल रहे हैं तीसरा कैंडिडेट कोई आएगा वहां पर। अच्छा, ऐसा भी होता है? अभी तक मुझे लग रहा है कि वो रिपीट हो जाएंगे, फिर से मिलेगा टिकट। और इलाहाबाद, फूलपुर, भदोही, बलिया, इन सब जगहों कहां पेज फंसा हुआ है? अब देखिए, इलाहाबाद में रीता वर्मा जोशी जी का लगभग टिकट लगता है कि इस बार कट ही जाए। ये तो सब मान रहे हैं कि रीता जी का टिकट कट सकता है, लेकिन मिलेगा किसको? कोई रमेश अवस्थी टाइप का कोई तो नहीं हो सकता? रमेश अवस्थी जैसा भी हो सकता है, रंजना वाजपेयी है उनका नाम भी वहां पर चल रहा है, क्योंकि वो पुरानी लीडर है वहां पर और जब से पार्टी में, लेकिन बस दिक्कत यह है कि उनका लड़का भी विधायक है, हर्षवर्धन, तेजस नाम आया, हर्ष वाजपेयी, शहर उत्तरी। हाँ, कुछ दो सौ नाम तेजी से उभर के आया, उसमें उनका नाम काफी तेजी से आया कि भाई कि हम एक महिला, क्योंकि सांसद को हटा रहे हैं तो उसके बदले महिला ब्राह्मण रखो वहां पर, तो उनका नाम एक तेजी से आया है। उसमें नंदी ने भी अपनी पत्नी की तरवी की है, अभिलाषा गुप्ता, यही सब चीजें उसमें वहां पर टसल चल रही है कि उसको किस, क्योंकि भाजपा इसको जो 2024 में 25 में मार्च जनवरी में कुंभ होने जा रहा है, तो उससे भी जोड़ के देख रही है कि हमें ऐसा चेहरा चाहिए थोड़ा सा उसकी ब्रांडिंग कर सके हम बाद में, तो ये सब चीजें भी देखी जा सकती है। हो सकता है कि वहां कोई धार्मिक स्थल से कोई आदमी आके वहां पे चुनाव लड़ जाए। संगम मिश्रा और संजय मिश्रा, एक तो संगम मिश्रा जो स्कूल के मालिक हैं, बड़े स्कूल के मालिक हैं, और एक संजय मिश्रा जो ईडी के पूर्व डायरेक्टर, बड़े अधिकारी रहे, क्या उनके नाम की भी चर्चा इलाहाबाद से?
बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ऐसा लोग चला रहे हैं अपने तरफ से, वैसे तो बहुत सारे नाम है इसमें जी, लेकिन ये नाम चल बहुत चले, वो जो अभी बड़े हनुमान जी वाला जो आश्रम है उसके महंत है, उनका नाम भी एकदम से शुरू हुआ है कि एक ऐसे कैंडिडेट को भी ले आया जाए, क्योंकि भाजपा इसमें मतलब इतना टिकट दिया लेकिन किसी महंत तो इसको नहीं टिकट दिया है, एक नाम इस उनकी भी पैरवी स्टार्ट हुई है। तो इस तरह के कई सारे नाम लगे लगे इसमें आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ये संजय मिश्रा या उनका वहां से इतना इतना तेजी से नाम चल रहा, लेकिन होता क्या है जब जिसका नाम बहुत छिपा रहता है मिल जाता है उसी को टिकट। हाँ। तो स्वस्थ कहीं नाम ही नहीं था, हम लोग नहीं कर रहे। और सपा के टिकट क्यों रुके हुए, 16 सीटों पे सपा भी टिकट नहीं दे पाई, जैसे इलाहाबाद में सपा ने टिकट नहीं दिया है, भदोही में तो भदोही तो खैर टीएमसी के खाते में दे दी, ललितेश लड़ रहे हैं वहां से, और 16 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पे देख रहे हैं कि भाजपा का रवैया क्या है, उसको दिया जाएगा, उसके पास जहां टिकट दिया है पहले वहां पे झगड़ा शांत कर लें, तब उसके आगे सोचे कोई आदमी नहीं है, पहले मुलायम सिंह होते थे तो वो डांट डपट के बैठा देते थे, अब आप समाजवादी पार्टी के पास कोई आदमी नहीं है जो जो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सके, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए आप देखिए कितने मिस्टेक में 3 बार चेंज किया, नोएडा में 2 बार चेंज किया, मेरठ में चेंज किया, बिजनौर में चेंज किया, तो इस तरह से टिकट तो समाजवादी पार्टी के पास क्या है ना कि पूरा एक सिस्टम नहीं बनाया है अभी इसमें कि जो टिकट के दावेदारों का एक पूरा एनालिसिस करके और जो सही कैंडिडेट है उसको उतारा जा सके, तो करेंगे धीरे धीरे, इनका चल रहा है अंदरूनी थोड़ा सा कुछ उनके यहाँ ऐसा आपस में चल रही है, आजम खा के उसके बाद से कुछ लोग नाराज हो गए हैं, पुराने स्थानीय लोग सीनियर लोग अपने को उतने से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, तो अब देख ले रेवती रमन सिंह कांग्रेस से मिल गए, तो यही सब हर जिले में इस तरह से चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टिकट का रुकावा है। अच्छा एक खबर तो बांदा जेल से आई, एक खबर जो है सीतापुर जेल से भी आई थी, अखिलेश यादव गए थे मिलने आजम खान से, तो मुलाकात की जो बातचीत रही और उसके बाद मुरादाबाद में जो सीट को लेकर जो घटनाक्रम रहा, एसटी हसन, रुचि बीरा, फिर रामपुर की सीट को लेकर के, तो क्या आप लोगों तक जानकारी है क्या बातचीत हुई, क्या ये एक अंतर्द्वंद था या फिर आपसी सहमति से हुआ कि नहीं दोनों को कराएंगे लास्ट में बाहर नामांकन करा लेंगे ताकि जो है ये भी मैसेज जाए कि नहीं ठीक है दोनों में बन रही है, क्या क्या हुआ, कुछ क्या कुछ था? नहीं देखिए वहां गए थे तो राजम खान ने उनसे कहा कि भैया तो आप लड़ जाइए, आप अपने परिवार किसी लड़ा लीजिए जी, अखिलेश चुनाव न लड़े तो उन्होंने देवता सिंह तेजी का नाम प्रूव किया कि भाई चलो देखेंगे, हालांकि एसटी हसन से और आजम खान के रिश्ते थोड़ा खराब हो गए थे वो, मतलब क्योंकि कभी भी बीच में जब आजम खान के ही आदमी थे एसटी हसन, लेकिन बाद में उन्होंने बिल्कुल अखिलेश यादव के ही, जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी की डेथ हुई उससे पहले से ही उन्हें लगा कि भाई अखिलेश को पकड़ ले तो हमें मुरादाबाद से टिकट मिलेगा, तो एसटी हसन ने आजम खान को बिल्कुल किनारे कर दिया। आपको अगर याद हो तो आप देखेंगे कि शफीकुर्रहमान बर्ग जो संभल से सांसद थे और एसटी हसन के आपस में रिश्ते काफी बिगड़ गए थे, और शफीकुर्रहमान बर्ग जो है वो आजम खान के काफी क्लोज हैं थे, अब निधन हो गया उनका, तो आजम खान से मिलने भी नहीं गए एसटी हसन, तो आजम खान कहीं ना कहीं एसटी हसन से नाराज थे, तो आजम खान के दो चीजें थी, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि एक तो आप लड़ जाइए रामपुर से और इनको रुचि वीरा को आप लड़ा दीजिए मुरादाबाद से, तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि अखिलेश यादव सुनो ठीक है रुचि वीरा को वहां से लाते हैं, और आजम खान को बैलेंस करने के लिए बाद में एक भी ये भी तय किया गया कि एसटी हसन को जो है वो लड़ा दिया जाए रामपुर से, क्योंकि मुरादाबाद और रामपुर में एक मुस्लिम कैंडिडेट देना जरूरी था, ये तो दो बड़ी मुस्लिम वाली सीटों पे दिक्कत हो सकती थी, दिक्कत एसटी हसन तरफ से हुई, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जब चीरा का टिकट कट गया तो उनका पुतला लपूक दिया उन्होंने उनकी समर्थकों ने, ये बात अखिलेश यादव को थोड़ा नागवार गुजरी और उन्होंने मुरादाबाद वो जो रामपुर से भी इनके टिकट के लिए उनको आश्वासन दिया था वो काटते हुए, तो वो मौलाना नदवी को लेके आए वो वहां पर लग रहा है, तो ये इस तरह से ये रहा, हालांकि इससे क्या हुआ कि एक तो रुचिवीरा टिकट मिला लेकिन आजम खान और नदवी के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे वो, और उनको आजम खान को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, आसिफ रजा जो मुलायम जो आजम खान का इसमें पूरा काम देखते हैं तो उन्होंने भी अपना टिकट कर लिया, उनके पास फॉर्म भी नहीं था तो वो
नहीं अपना नामांकन का बाद निरस्त हो गया। तो अभी स्थिति यह है कि आजम खां के लोग जो है वो नाराज हैं वहां पर रामपुर में, हमारी पार्टी को लेकर एक नकारात्मकता माहौल है। आजम खां के जो कार्यकर्ता है वो चुपचाप बैठे हुए हैं और अब देखना है कि आगे कैसे शुरू होता है जी, जब अखिलेश प्रचार करने निकलते हैं और रामपुर पहले फेज में चुनाव है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं उसमें, चूंकि वो एक कह रहा है कि वो बाहरी कैंडिडेट आ गया, हालांकि वो सुवार के रहने वाले हैं नदवी साहब, लेकिन कभी वहां बहुत एक्टिव नहीं रहे, इसको लेकर काफी विरोध है वहां पर जी। चलिए फिर देखते हैं 2024 में क्या नतीजे होंगे इस इन सारे द्वंद के। हमने मुख्तार की राजनीति, अपराध और उसके तमाम घटनाक्रमों को समझा, उसके अलावा हमने जो पॉलिटिक्स चल रही उत्तर प्रदेश में, टिकट वितरण की, टिकट मिलने कटने की कहानियों को समझा, और एक कहानी जो सबसे दिलचस्प है वो वाई श्रेणी की, जिस व्यक्ति पे योगी सरकार रासुका लगाती है, जेल भेजती है, उसी व्यक्ति को भाजपा की केंद्र सरकार वाई श्रेणी की सिक्योरिटी देती है। ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो दुश्मन हैं वो दोस्त हो सकते हैं, जो दोस्त हैं वो दुश्मन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पे ये हमने तमाम बातचीत की। अब ओवर टू यू सौरभ। आज का नेता नगरी यहीं समाप्त होता है। इस पूरे एपिसोड इसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई, जिन नेताओं पर, जिन फैक्टर्स पर, उन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जल्दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा भी शुरू हो रही है। कौन से संसदीय क्षेत्रों में आना चाहिए, क्या फैक्टर्स प्रभावी हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा पता है chunav@lalantop.com, आपको स्क्रीन पर यह ईमेल आईडी भी नज़र आ रहा होगा। तो बताइए आपके इलाके में आने की वजह क्या है, बताइए मेरी सीट कवर करो के पीछे आपका तर्क क्या है।